देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। अच्छा यस मैम। ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने इसमें मैथ्स में कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। परम्यूटेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया था, तो एक बार जस्ट रिकॉल करवा देते हैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या था। कि दोनों में ही सिलेक्शन है, लेकिन परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट भी करना, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। यही मेन डिफरेंस था, और इसी के बेसिस में क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना है कि जो हमें करने के लिए बोला है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या उसका ऑर्डर से कोई लेना देना है। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, अगर नहीं करेगा तो परम्यूटेशन को। क्वेश्चन में हमें कभी नहीं बोलेगा कि परम्यूटेशन यूज करो, अगर कभी बता दिया, जो कि होता नहीं है, तो बात अलग है, वो तो अलग हो गया, बता दिया तो फिर मतलब आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था, जैसे एन पी आर होता है परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में एन सी आर होता है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने का मैंने ये जो नॉर्मल तरीका है वो भी बताया था, और यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक शॉर्टकट तरीका भी देखा था, और हम लोग शॉर्टकट का यूज करेंगे इसीलिए ताकि हम लोग का जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। शॉर्टकट नहीं यूज करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल फोर तुम लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है, और एग्जाम्पल शायद मैंने थ्री करवाया था, एग्जाम्पल फोर होमवर्क दिया था, 1 2 बाकी है। तो एक बार एग्जाम्पल फोर को देखते हैं इसमें क्या बोला है, अगर तुम लोगों ने किया है तो देखो, बोल रहा है कि एक कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन। तो सबसे पहला बात है हमें कमिटी बनाना है, तो दिमाग में ये हमें रखना है कि कमिटी बनाने से ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा। कमिटी किनका बनाना है, कुछ पर्सन को लेके हमें कमिटी बनाना है, ठीक है। अच्छा तो अगर हम लोग कमिटी बनाएंगे 7 लोगों का, ठीक है, मतलब एक कमिटी में 7 लोग रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनको तो कोई पोस्ट तो नहीं दे रहे, ओनली कमिटी में 7 लोगों को रखना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा, है तो कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तुम लोग को तो समझना पड़ेगा। अभी तो कॉम्बिनेशन ही दिखेगा तुम लोग को, बिकॉज हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सा बात है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है कॉम्बिनेशन का ही आ रहा है, मैट में भी तुम लोग को दिख जा रहा है। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर कमिटी में लोगों को ही सिलेक्ट करना है तो क्या उसमें ऑर्डर मैटर करेगा, पहले इनको फिर इनको, कुछ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। टीम बनाने के तरह है, तो 7 मेंबर्स का टीम बनेगा कमिटी के लिए, और जिसमें कैसे चूज होगा, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। कितने लोगों में से चूज करना है, 6 सीए है, 4 इकोनॉमिस्ट है और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, यानी टोटल 15 लोग है। 15 में से हमें 7 लोगों को चूज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ कमिटी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप। हमें कमिटी बनाना है इन सबको चूज करके, लेकिन हम लोग टोटल कितने लोगों को ले सकते हैं, मैक्सिमम 7 लोगों को ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी लेने का कंडीशन क्या है, उसमें भी लेने का कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक, कम से कम एक मेंबर हर एक ग्रुप से हो, मतलब एटलीस्ट एक सीए हो इस ग्रुप में, एक पर्सन सीए हो, एक हम लोग का इकोनॉमिस्ट हो और एक हम लोग का जो है कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो। एक हम लोग का कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ठीक है, एटलीस्ट, और यहाँ पर बोला है एंड एटलीस्ट 3, अच्छा नहीं सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप। हाँ ठीक ही बोला है, हर एक ग्रुप से कम एक लोग होना चाहिए, मतलब 7 लोगों में एक सीए होगा, एक इकोनॉमिस्ट होगा और एक कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, और एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 3 जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कम से कम 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब 3 से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुम लोग का एग्जाम में पास करने के लिए कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 40 लाना पड़ेगा, ठीक है, 100 में 40, लेकिन ओवरऑल में देखो तुम लोग का 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट में 40 करके लाओगे तो हो जाता है हम लोग का 160, जिसमें एग्रीगेट में तुम लोग जो है क्वालिफाई नहीं करोगे। एग्रीगेट में क्वालिफाई करने के लिए आउट ऑफ 200 तुम लोगों को लाना है, सॉरी आउट ऑफ 400 तुम लोग को लाना है 200, ठीक है, 200 मतलब 160 लाने से नहीं होगा, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में अगर 40 से कम आ जाए तो डिसक्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। तो 40 तक लाना, एटलीस्ट 40 लाने, उससे ज्यादा लाओगे तो थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, अच्छा ही बात है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि कम से कम 3
ये होने चाहिए, अगर उससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे करके हम लोग कमिटी में मेंबर फिर बना सकते हैं। एग्जाम्पल फोर जो कि होमवर्क था हम लोग का, यहाँ पे एग्जाम्पल फोर, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो कितने सारे सीए हैं, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, सीए है टोटल छह, ठीक है। इकोनॉमिस्ट है टोटल चार लोग, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। ये देखो यहाँ पर छह, चार और यहाँ पांच। कॉस्ट अकाउंटेंट है पांच, कॉस्ट अकाउंटेंट है पांच, ये टोटल है, ठीक है। अच्छा, इन सब में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, टोटल सात लोगों को सिलेक्ट करना है तो 15, लेकिन उसमें से हमें सिलेक्ट करना है टोटल सेवन, लेकिन उसमें कंडीशन दे दिया है कि कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इस पॉइंट को देख के कर सकते हैं, हमें कम से कम तीन सीए रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तीन से ज्यादा भी रखेंगे तो भी चलेगा, तो हम लोग कम से कम तीन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो मतलब कम से कम तीन मतलब कितना सीए रख सकते हैं, कमिटी में तीन रख सकते हैं या चार रख सकते हैं या पांच या छह, लेकिन ये करने से भी हमारा सेकेंड कंडीशन और एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगा ना, क्योंकि हमें हर एक जगह से कम एक एक मेंबर को रखना है, ठीक है। हर एक कैटेगरी में एक एक लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम समझाते हैं कैसे होगा। गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, यहाँ पर हमें बोला है कम से कम तीन सीए रखना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन, अगर हम लोग सिक्स में से, सिक्स सीए में से तीन सीए को चूज करते हैं, ठीक है, कम से कम तीन बोला है तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं, तो सिक्स ही थ्री होगा, सिलेक्ट करने का तरीका सिक्स ही थ्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब चार इकोनॉमिस्ट है, कितने इकोनॉमिस्ट को लेंगे, अगर एक को लेते हैं, ठीक है, मैंने एक ही क्यों किया, क्योंकि देखो हम लोग का यहाँ पर एक मैंने इसीलिए किया क्योंकि बोला है और एक कंडीशन कि हर एक कैटेगरी से एक एक पर्सन तो होना ही चाहिए, तो हम एक बार बाकी कैटेगरी से एक एक पर्सन को ही लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा सात पर्सन स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ से तीन चार पांच हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से थ्री प्लस वन मतलब कम हो रहा है, तो ये सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से मैंने अगर थ्री लिया है तो ऑप्शन ऐसे करो, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने तीन ले लिया है सीए, ठीक है, तो यहाँ से दो लिस्ट नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे समझाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले हम लोग ऐसे चेक करते हैं, देखो अगर हम लोग छह सीए ले लेते, फिर हम सी से लिखेंगे, अगर हम लोग छह का छह सीए ले लेते, क्योंकि हमें बोला है कि एटलीस्ट तीन सीए लेना है, एटलीस्ट तीन, यानी तीन से ज्यादा क्या ले सकते हैं, चार पांच और छह। अगर हम लोग छह सीए ले लेंगे और उसके बाद हमें और कितने मेंबर को लेना पड़ेगा, और एक मेंबर को, टोटल सात मेंबर करने के लिए, तो या तो एक इकोनॉमिस्ट को ले सकते हैं या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, लेकिन इससे हम लोग जो है कमिटी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें हर एक कैटेगरी से एक एक पर्सन को लेना पड़ेगा। अगर हम लोग छह सीए ले लेंगे तो दूसरे कैटेगरी से बस एक ही जन को ले सकते हैं, जिससे हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, मतलब हम लोग छह सीए नहीं ले सकते। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि इससे कम करेंगे, पांच सीए, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक ले लेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेवन जो है सेवन पर्सन का कमिटी बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग का ये हो रहा है, ठीक है, 511, चेक करो पहला ऑप्शन हम लोग का 511 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग छह सीए लेंगे तो नहीं होगा। देखो हमें किसी भी एक कंडीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, हमें बोला है कि कम से कम जो है तीन सीए को रखना है, तो तीन कम से कम तीन रख सकते हैं या चार या पांच या छह, क्योंकि हमारे पास टोटल छह सीए। अगर हम लोग छह सीए को रखेंगे तो सात मेंबर तो बन जाएगा किसी एक कैटेगरी से एक को लेके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें और एक कंडीशन भी बोला है, हर एक कैटेगरी से एक एक पर्सन को लेना पड़ेगा, तो सिक्स सीए को हम लोग नहीं ले सकते, इसमें हमारा और एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या हम लोग पांच सीए को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पांच सीए को लेंगे तो यहाँ से एक और यहाँ से एक ले लेंगे तो सात बन जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो सिक्स सी फाइव, ठीक है,
छह में से पांच लोगों को सिलेक्ट करना, चार में से एक को सिलेक्ट करना, ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा 4C1 और यहां पर हो जाएगा 5C1, ठीक है? ये कंडीशन हो सकता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन टू देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन टू में देखो, हम लोगों ने पांच वाला तो देख लिया, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि हम लोग चाहे तो चार सीए को ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें कम से कम तीन लेना पड़ेगा, तीन से ज्यादा चलेगा, तीन से कम नहीं चलेगा। तो अगर हम लोग चार सीए को लेते हैं तो इकोनॉमिस्ट कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर चार लेंगे तो और दो लोगों को लेना पड़ेगा, अगर यहां से दो ले लेंगे तो यहां से एक लेंगे, ठीक है? यहां से अगर दो ले लेंगे तो यहां से एक लेंगे, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। और एक इसमें ऑप्शन बनेगा, क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन थ्री, अगर हम लोग सिक्स सीए में से फोर सीए को लेते हैं और यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इकोनॉमिस्ट दो लिया और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट एक लिया, उसके जगह हम लोग रिवर्सली ये भी कर सकते हैं, यहाँ से एक जन को ले लेते हैं, यहाँ से दो, तो भी हमारा सेवन जो है मेंबर बन जाएगा, ठीक है? तो फोर्थ वाले से दो कैटेगरी बन गया, ठीक है? फोर, अगर हम लोग चार सीए को लेते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होगा सात मेंबर को बनाने का। और लास्ट थ्री वाला, थ्री वाला देखो ऑप्शन फोर, अगर हम लोग तीन सीए को लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें लेना ही है, उससे कम हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से सात मेंबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां से मान लो दो मेंबर को ले लिया और यहां से तीन चार पांच छह सात, यहां से भी दो मेंबर को ले लिया, ठीक है? यहां से दो मेंबर को ले लिया, यहां से दो मेंबर को ले लिया, ठीक हुआ है? तीन चार पांच छह सात, हाँ ठीक हुआ है, ठीक है? अच्छा, और एक ऑप्शन भी इसमें हो सकता है ऐसे करके, ऑप्शन फाइव, तीन सीए है, ठीक है, तीन इकोनॉमिस्ट है और एक हम लोग का जो है कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फिर और एक ऑप्शन भी तो हो सकता है, तीन सीए है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का एक इकोनॉमिस्ट है और तीन कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो इतने सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शंस तुम लोग को समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना सारा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है? ये सेवन मेंबर्स का है इसीलिए इतना सारा ऑप्शंस हो गया, इससे कम होगा तो कम दिखेगा हमें, ठीक है? तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमें कंडीशन दिया है उससे कंडीशन पे हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे करके चेक करेंगे, ठीक है? बोलो ये चीज तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, क्या ये कंडीशन समझ में आया? गुड मॉर्निंग सतन जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो सोमू, समझ में आया? तनु, सोमू, सुमित, बोलो समझ में आया? हाँ मैम समझ में आया। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे करके होगा, ये नहीं कर पाएंगे तो हम लोग फिर आगे नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, क्या ये तीनों सिलेक्शन हमारा एक साथ होना चाहिए या ये ऑप्शनल है? मतलब हम ये बोल रहे हैं ऑप्शन का मतलब, यहाँ पर ऑप्शनल मत सोचो, ये तो ऑप्शन का मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है? या तो ऐसे कर लो, 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 मतलब ये इंडिविजुअली ऑप्शंस नहीं है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, बट ये इंडिविजुअली थोड़ी ना ऑप्शन है। अगर हमें सेवन मेंबर्स करना है तो हमें ये तीनों को ही तो लेना पड़ेगा। तो ये तीनों में कैलकुलेशन जब करेंगे, क्या ये मुझे ये बताओ, क्या ये प्लस प्लस होगा कि इनटू इनटू होगा, ये बताओ। नहीं समझ में आया? मल्टीप्लाइड होगा सबका। हाँ इनटू, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि हमें ये तीनों चीज एक साथ चाहिए, हमें पांच सीए, एक इकोनॉमिस्ट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट एक साथ चाहिए, तब जाके सेवन पर्संस बनेंगे, ठीक है? सेवन मेंबर्स होंगे एक कमिटी में, ठीक है? अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब एक मल्टीप्लाई होगा तो सारा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब इससे आंसर निकालो कि आंसर कितना आ रहा है, हर एक जगह पे तुम लोग को आंसर निकालना है, और इसके लिए तुम लोग को शॉर्टकट मेथड का यूज करना है। अगर शॉर्टकट मेथड करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो शॉर्टकट में मैंने क्या सिखाया था, देखो शॉर्टकट में मैंने क्या सिखाया था कि नीचे अगर हम लोग का थ्री है तो थ्री से लेके वन तक लिखोगे और ऊपर जो है उतने ही सारे फैक्टर्स लिखने हैं हम लोग को, ठीक है? अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है 65, अच्छा इसका भी ना हम एक जो है सोल्यूशन बताते हैं, इसको कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं, देखो इसका भी शॉर्टकट बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ना कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। चलो एक कंप्लीमेंट्री रिलेशन समझा देते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट्री रिलेशन,
देखो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब होता है, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, क्या क्या गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, तो वैसे ही यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो जाएगा, देखो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब अगर हम तुम लोग को ये बोल रहे हैं कि इसमें से कोई भी फोर आइटम चूज करो, फोर आइटम जो है सिलेक्ट करो, ठीक है, फोर आइटम जो है सिलेक्ट करो, तो क्या क्या फोर आइटम सिलेक्ट करोगे? कोई भी अगर फोर आइटम सिलेक्ट करते हो तो तुम लोग उसको कैसे लिखोगे, मुझे बता सकते हो? मतलब कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे? यहाँ पर मैंने पांच आइटम लिखा है, मान लो ये सब आइटम है, मान लो ये सब अलग अलग चॉकलेट्स है, ठीक है, तो तुम लोग को इसमें से कोई भी चार चॉकलेट चूज करना है, तो तुम लोग कैसे करोगे, मतलब कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे? पांच में से चार लेना है तो कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे? और कुछ नहीं होगा, फाइव सी फोर ही होगा ना। अच्छा फाइव सी फोर हो जाएगा, तो क्योंकि एन है फाइव और आर है हम लोग का फोर, ठीक है। अच्छा अब इससे तुम लोग का आंसर आ जाएगा कैसे, ये देखो फोर थ्री टू वन और यहां पर हो जाएगा फाइव फोर थ्री टू, क्योंकि नीचे अगर चार फैक्टर्स है तो ऊपर भी चार फैक्टर्स, ये कैंसिल आउट होके पांच हो जाएगा। पांच तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ऐसे, मतलब तुम लोगों ने कैसे सोचा होगा, तुम लोगों ने सोचा कि मान लो तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि हम लोग आइटम ए ले लेंगे, ठीक है, आइटम बी ले लेंगे, अच्छा आइटम डी ले लेंगे, मान लो आइटम डी ले रहे हो और आइटम ई ले रहे हो, ठीक है, ऐसे तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन तुम लोग ये भी तो बोल सकते हो कि सी नहीं लेना है बाकी सब लेना है, सी नहीं लेना है बाकी सब लेना है, तो भी तो आंसर आता है। मतलब दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। तुम लोग के सामने मैंने ये पांच जो है आइटम रख दिया, पांच चॉकलेट रख दिया, तुम लोग बोल रहे हो मुझे ये चाहिए, इसके जगह तुम लोग ये बोल सकते हो कि मुझे सी के अलावा बाकी सब चाहिए, ये भी तो एक आंसर होगा। तो भी तो बात वही हुआ ना कि मुझे ये चार चीज चाहिए या फिर मुझे सी के अलावा बाकी चीजें चाहिए, ऐसे भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हो कि मुझे जो है ये चार आइटम चाहिए, और अगर तुम लोग ऐसे लिखते हो फाइव सी वन, ठीक है, मतलब तुम लोग को ये सी को नहीं लेना है ये बोल रहे हो, तो वो कितने तरीके से बोल सकते हो? पांच में से एक चीज नहीं लेना है, पांच में से अगर तुम लोग को एक चीज नहीं लेना है वो कितने तरीके से हो सकता है? फाइव सी वन तरीके से, सी नहीं लेना है इसका एक ही तरीका हो सकता है ना, तो फाइव सी वन, तो इसका आंसर भी क्या होगा, देखो इसका आंसर भी हम लोग का फाइव ही हो जाएगा। ये देखो कैलकुलेशन करने पे ये वन हो गया, वन फैक्टोरियल, और ये ऊपर फाइव यानी फाइव हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन पे ये दोनों इक्वल हो गया। मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रिलेशन, मतलब फाइव सी फोर इक्वल टू 5c1 होगा। इसका मतलब हम बताते हैं 5c4 equal to 5c1 का मतलब, 5c4 का मतलब क्या है? 5c4 का मतलब है 5 में से out of 5 four item selection, ठीक है, out of 5 selection of four item, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है out of 5, ठीक है, out of 5 one item select, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ फाइव वन आइटम सिलेक्ट, वो आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अगर ये चार आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये सी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये जो सी को सिलेक्ट नहीं करने का जो टास्क है और बाकी चार आइटम को सिलेक्ट करने का जो टास्क है, उसमें तो हमारा आंसर सेम ही होगा, उसमें तो अलग नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग अगर बोल रहे हैं कि हमें ये चार चीज चाहिए, मतलब हम लोग सी को इग्नोर कर रहे हैं। सेम तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमें मतलब ये सी को नहीं लेना है, इसका मतलब बाकी चार आइटम को लेना है, ठीक है, तो सी को सिलेक्ट नहीं करने का कैसा ऑप्शन होगा? एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, सी को सिलेक्ट नहीं करने का एक ही ऑप्शन होगा। तो 5C1 का मतलब क्या है, हमें सिलेक्ट करना है कैसे करके,
वन आइटम पांच में से सिलेक्ट करना है, ठीक है? या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक आइटम सिलेक्ट करने का मतलब चार को सिलेक्ट नहीं करना। देखो कंप्लीमेंट्री का क्या हो रहा है, मतलब एक आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि मान लो सी है, यानी हम लोग बाकी चार को सिलेक्ट नहीं कर रहे, मतलब हम लोग अपना ना बताना चाह रहे हैं, ठीक है? मतलब नो बोल रहे हैं सी को कि मुझे सी नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे ए बी डी ई चाहिए। या फिर ये भी बोल सकते हैं मुझे सी ए बी डी ई चाहिए, इसका मतलब मुझे सी नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि पांच में से चार आइटम को सिलेक्ट करना। अब वो हमें लेना है नहीं लेना है वो बात का बात है, ठीक है? 5C1 का मतलब है पांच में से एक आइटम को सिलेक्ट करना। अब जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें लेना है कि नहीं लेना है वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों का आंसर ही हमारा सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका मतलब है कि पांच में से चार आइटम को सिलेक्ट करने का मतलब है एक आइटम को सिलेक्ट नहीं करना, और उस आइटम को जिसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं उसे कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से ना भूल सकते हैं। सीधा सा बात यही है कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ए बी डी ई ले रहे हैं तो इसका मतलब हम सी को नहीं ले रहे हैं। तो तुम लोग दो तरीके से बोल सकते हो, है ना? दो तरीके से आंसर दे सकते हैं ना। जैसे तुम लोग इंग्लिश में किए होगे कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंस वगैरह, तो उसमें तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो ही इज अ गुड बॉय, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ही इज नॉट ए बैड बॉय, है ना? मतलब बात वही हो गया ना, मतलब गुड को हम लोगों ने ना से नॉट ए बैड बॉय से जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे सी को अगर नहीं लेना है तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं दूसरे को आंसर। क्या बोल सकते हैं, मुझे ए बी डी ई दे दो, या फिर हम ये बोल सकते हैं मुझे सी के अलावा बाकी चार दे दो। तो ये जो है ये थोड़ा सा मतलब स्मार्ट आंसर हो गया कि मुझे सी के अलावा बाकी दे दो, इतना सारा बोलने का क्या जरूरत है, मुझे ए बी डी ई चाहिए, ठीक है? अगर हम बोल देते मुझे सी नहीं चाहिए तो भी यही आंसर होता है कि मुझे ए बी डी ई चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे ये पांच में से चार आइटम सिलेक्ट करना है, यानी कि मुझे एक आइटम सिलेक्ट नहीं करना है। तो ऐसे रिलेशन को जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन में बोला जाता है कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है? ये देखो कंप्लीमेंट्री रिलेशन, क्यों? क्योंकि दोनों में आंसर भी हमारा सेम ही होता है, ठीक है? तो इसमें ये देखो एन सी आर इक्वल टू हो जाएगा एन सी एन माइनस आर, ठीक है? देख लो एन सी आर एन सी एन माइनस आर कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर एन कितना है, फाइव है, ठीक है? अच्छा आर कितना है, फोर है। यहाँ पर देखो एन कितना है, फाइव है, आर कितना है, एन माइनस आर होना चाहिए, तो फाइव माइनस फोर वन आ गया। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब इसका यूज क्या है, इसका मेन यूज यही है कि इसमें हम लोग शॉर्टकट वे से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? जैसे कि देखो अभी हम तुम लोग को बताते कैसे करके कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन देखने से ही समझ में आएगा कंप्लीमेंट्री रिलेशन का क्या बेनिफिट है। तो 65 को अगर हम लोग शॉर्टकट वे में भी कैलकुलेट करेंगे ना, अभी तुम लोग मत लिखो, तो हमें कितना बार लिखना पड़ेगा, 5 4 3 2 1, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा 6 5 4 3 2, तो इसमें भी तो टाइम लगेगा, तो इसको भी टाइम हमें बचाना है, इतना ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? तो हम लोग 65 का कंप्लीमेंट्री लिखेंगे, ठीक है? तो 65 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कैसे समझ में आएगा, ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना है जरूरी नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हमें इस फॉर्मूले का जरूरत होगा तो वहां दिखाएंगे। फिलहाल इतना देखो ऐसे करके याद रख सकते हो, यहाँ का छह में से पांच चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है एक चीज को सिलेक्ट ना करना, ठीक है? तो छह में से पांच चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है एक चीज को नहीं सिलेक्ट करना, और उस चीज को नहीं सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो जाएगा, 6C1। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये हाँ और ना का आंसर दोनों का सेम होता है, ठीक है? तो 5C4 मतलब 5C1 होता है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्यों इक्वल होता है, बिकॉज दोनों का वैल्यू एक जैसा होता है, ठीक है? दोनों का वैल्यू हम लोग का एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये देखो 6C5 के जगह हम लोग इसको अगर ऐसे लिख देते हैं ना, 6C5 के जगह इसको लिख दो 6C1, ठीक है? क्योंकि छह में से पांच चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है एक को नहीं सिलेक्ट करना, और ये दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा, 4C1 5C1, ठीक है? बाकी ये रह गया। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अब शॉर्टकट यूज करो, नीचे वन ही रहेगा ऊपर 6, नीचे यहाँ पर 1 रहेगा तो ऊपर 4, नीचे 1 रहेगा तो ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है? और पूरा कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 4 × 5 20 × 6, यानी 120 आंसर हो गया। इस तरीके से करना है तो ही जल्दी होगा, ठीक है? अच्छा अब बोलो 6C4 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, बोलो। छह में से चार चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, बस उतना ही लिखोगे तो आंसर आ जाएगा।
बोलो 64 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? तो ऐसे सोचो, 6 में से 4 चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कितना हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं? बोलो कितना सारा रिजेक्ट कर रहे हैं? 2। तो कैसे लिखेंगे इसे? हाँ 2। बोलो कैसे लिखेंगे? 62। हाँ ये हो जाएगा कंप्लीमेंट्री, ठीक है। बाकी एज इट इज रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इसी में कैलकुलेशन जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 × 1 हो गया, यहाँ पर 6 × 5 हो गया। अच्छा 4C2 को कैसे लिखोगे? 2 × 1 4 × 3। दो फैक्टर नीचे आएगा तो 2 ही ऊपर आएगा, नीचे 1 आएगा तो ऊपर भी 1 ही आएगा। अब कैलकुलेशन करो, ये 2 और 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया? बाकी कैलकुलेटर पे कर लू, ठीक है। 6 × 5 × 3 × 5, ठीक है, तो 450 होगा। तो तुम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हो, चाहो तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। ये देखो, ये 4 कैंसिल आउट करके ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब फिर नेक्स्ट देखो, 6C4 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? अभी अभी क्या हम लोगों ने, 6C4 का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 6C2, ठीक है। अच्छा 4C1 का 4C1 ही रखेंगे, क्योंकि नीचे जितना कम डेटा होगा उतना हमारे लिए कैलकुलेशन करने में आसान है। जितना R का वैल्यू लोअर रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, शॉर्टकट यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 × 5, और यहाँ पर 1 नीचे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 2 × 1 दो फैक्टर है तो ऊपर भी दो फैक्टर लगेगा, 5 × 4। अच्छा अब देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 और 2 ये कैंसिल आउट कर दो, 4 से 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दो, 6 × 5 × 5 × 4, 6 × 5 × 5 × 4, तो कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 600। अच्छा सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 63 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? बोलो 6 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 6 में से कितने चीजों को सिलेक्ट नहीं करना? बोलो मैम, थ्री तो कम। हाँ बोलो कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 63 ही होगा। 63 होगा तो इसको चेंज करके कोई फायदा नहीं, मतलब इसमें सोचने का हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमारा चेंज करने से भी एज इट इज ही आ रहा है तो हम लोग चेंज क्यों करें? मत करो चेंज, तब नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब करके फायदा नहीं, नहीं करना चाहिए, कोई रूल्स नहीं है। क्यों कर रहे हैं हम लोग शॉर्टकट वगैरह? इसीलिए यूज करें ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो। अब जहां पर जरूरत नहीं वहां पर क्यों करें, ठीक है। तो 3, 2, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 5 और 4। अच्छा 4C2 का 2 बार 2 × 1, और नीचे 2 बार हुआ है तो ऊपर भी 2 ही फैक्टर लगेगा, यहाँ भी 2 फैक्टर लग रहा है तो ऊपर भी 2 फैक्टर जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देख लो कितना हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का 2, 2, 4 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 3, 2, 6 कैंसिल आउट हो गया। तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली कर सकते हो, 3 × 5 × 4, तो ये हम लोग का हो गया 1200, ठीक है। ये 1200 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1200, ये आंसर आया इसका 1200। अच्छा इसके बाद ये वाला देखो 63। अब अभी अभी हम लोगों ने देखा 63 को चेंज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो इसको 63 ही रखते हैं। 4C3 को चेंज करेंगे तो हमारे लिए हेल्प जरूर होगा। बोलो 4 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने चीजों को सिलेक्ट नहीं करना? चार में से मैम 1 को सिलेक्ट नहीं करना। हाँ तो कैसे लिखेंगे? 4 क्या लिखना पड़ेगा मैम? 4C1। हाँ 4C1 लिखेंगे। हाँ अब इसका कैलकुलेशन करो, 3, 2, 1 नीचे ऊपर भी 3 बार लिखेंगे, 6, 5, 4, और यहाँ पर लिखोगे 1 तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ पर 1, 5। अब देखो कितना होता है, 3 और 2 हम लोग का 6 हो गया, ठीक है। 5 × 4 मतलब 20, और 5 × 4 मतलब 20, यानी कि 400। अच्छा ये हम लोग का 400 आ रहा है, और भी 2 बाकी है, नहीं 1 ही बाकी है। चलो 6C3 4C1 5C3, इसमें से 5C3 को चेंज करके हमारा जो है हेल्प हो जाएगा। ये देखो 6C3 को 6C3 रख दो, 4C1 को 4C1 रखो, 5C3 को क्या लिखेंगे? बोलो 3 को सिलेक्ट करने का मतलब कितने को सिलेक्ट नहीं करना? लिखेंगे 1, तो नहीं 2 होगा ना, 5C2। हाँ अब इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 और 6, 5, 4। अच्छा 1, 4, 2, 1,
5, 4. कैलकुलेशन करके देखते कितना होता है यहाँ पर. ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2 और ये 4 से कैंसिल आउट हो गया. 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, 40 × 20 कितना हो रहा है, 40 × 20 = 800 हो रहा है. ठीक है, 800 अब टोटल करते हैं. ठीक है, अच्छा अब टोटल क्यों करेंगे वो भी तुम लोगों से पूछेंगे, उसके बाद ही टोटल करेंगे. तो ऐसे हो करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे तुम लोग चाहो तो कंप्लीमेंट्री नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आगे जाके ना तुम लोग को ये फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा. तो कंप्लीमेंट्री यहाँ भी यूज कर सकते हैं. अब मैंने ना सेकेंड टाइम फिर से लिखा था तो इसमें हमारा टाइम गया, लेकिन एग्जाम में तुम लोग ऐसा क्यों करोगे. देखो 4c1 5c1 कितना होगा वो तो तुम लोग को आसानी से ही समझ में आ ही जा रहा है. ठीक है, और 6c5 को दिमाग में रखो कि 6c5 का अगर 6c1 होगा तो यहाँ 1 और यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये लिखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता है तो लिख सकते हो. ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अगर चार चीज, पांच में से चार चीज, जो कि एग्जाम्पल लिया था मैंने, पांच की उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, पांच में से चार चीजों को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक चीज को कैसे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो पांच में से चार का सिलेक्शन का रूल्स क्या होगा, 5 ways, और पांच में से एक का सिलेक्शन का रूल्स भी हो जाएगा 5 ways में होगा. जैसे कि देखो अगर हम लोग थोड़ा स्मॉल डेटा लेते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आए. एबीसी को हमें सिलेक्ट करना है, एबीसी में से कोई भी 2 आइटम हमें सिलेक्ट करना है, 3 में से, ठीक है, आउट ऑफ 3 हमें 2 सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो ए बी कर सकते हैं, ठीक है, बी सी कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन है तो ए बी बी ए तो अलग नहीं होगा, मतलब ये 3 ways हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम लोग ए बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे नॉट सिलेक्ट के लिस्ट में सी आ रहा है, जब बी सी कर रहे हैं तो नॉट सिलेक्ट के लिस्ट में ए आ रहा है, जब हम लोग ए सी कर रहे हैं तो नॉट सिलेक्ट के लिस्ट में हम लोग का बी आ जा रहा है. ठीक है, अब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका मतलब ए बी को जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो सी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब सीधा बात है कि 3 में से 2 चीजों का सिलेक्ट करने का मतलब है एक को सिलेक्ट नहीं करना. ठीक है, तो आउट ऑफ 3 1 नॉट सिलेक्ट, ठीक है, 1 नॉट सिलेक्ट. तो अगर हम लोग एक को सिलेक्ट नहीं कर रहे और उसी एक को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है, ये देखो 3 तरीका है. अगर कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट करना चाहते तो उसका भी 3 तरीका है. देखो जब हम लोग 3 में से 2 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, 3 ऑप्शंस है कि हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसके साथ साथ ये भी क्रिएट करते जा रहे हैं कि जब हम लोग 3 में से कोई भी 2 आइटम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है. साथ ही साथ हम लोग एक एक आइटम जो रिजेक्ट करते जा रहे उसका भी ना हम लोग का 3 ऑप्शन ही हो रहा है. ठीक है, तो 3 में से 2 सिलेक्ट करने का 3 ऑप्शन और 3 में से 1 को सिलेक्ट नहीं करने का भी 3 ऑप्शन, यानी दोनों आंसर हमारा सेम होता है. ठीक है, इसीलिए ये कंप्लीमेंट्री बन रहा है और कुछ नहीं. और कंप्लीमेंट्री का हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला भी, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा वहां भी यूज करेंगे और यहाँ भी यूज कर लिया. अच्छा, अब हमारा आंसर अभी तक पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शंस को ऐड करेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि थोड़े देर पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि हम लोग जो कमिटी बनाएंगे ऐसा बना सकते हैं या फिर 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 ऐसा बना सकते हैं. सारा तो नहीं बनाएंगे, कोई भी एक ही जैसा बनाएंगे. ठीक है, इसीलिए ये सब और है तो हम लोग का ये ऐड होगा. और होने से ऐड होगा, क्योंकि हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा है कि और होने से ऐड होता है हम लोग का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रूल्स में. तो 120 + 450 + 450 + 600 + 1200 + 400 + 800, तो यहां पर हो जाएगा 3570. तो इतने सारे ऑप्शंस होंगे कमिटी को बिल्ड करने के लिए. ठीक है, 3570 ऑप्शंस होंगे कमिटी को बिल्ड करने के लिए. ये क्वेश्चन काफी बड़ा था क्योंकि इसमें 7 पर्सन से कमिटी बनाना था, तो इसलिए काफी ज्यादा टाइम लगा. ये देखो इन्होंने जो मैंने पॉइंट बोला ना, इन्होंने इस तरीके से पहले लिखा है, तो तुम लोग भी चाहो तो उसको लिख सकते हो साइड में. ठीक है, कैसे करके हम लोग बना रहे हैं, और इसके बाद देख लेते एक बार हम लोग का आंसर सही आया कि नहीं. पहले 3570, हाँ सही आया, 3570 करेक्ट हुआ. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल 1 देखते हैं. देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है. एग्जाम्पल 1, ठीक है,
बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, तो एक कार्ड यानी ताश का ही बात हो रहा है. ठीक है, ताश का जो मतलब ताश जो गेम है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होता है. ठीक है, उसका भी हम बता देते हैं उसमें कार्ड में क्या क्या सिस्टम होता है. ये देखो यहाँ पर हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है ताश में, मतलब वही कार्ड यानी ताश 52 होता है. ठीक है, अच्छा उसमें कलर कितना होता है पता है तुम लोग को, कितने कलर का कार्ड होता है टोटल कलर? ताश के पत्ते कभी देखे हो कितना कलर होता है उसमें? देखो रेड और ब्लैक कभी नहीं खेले हो तुम लोग? ये देखो ये देखो ये जो कार्ड होता है ना, जितने भी टोटल 52 जो पत्ते होते हैं ताश के वो सभी दो ही कलर के होते हैं, या तो ब्लैक होता है या तो रेड होता है. ठीक है, तो ये हमें पता करना है. ठीक है, क्योंकि इसमें तो लगेगा ही लगेगा, जब तुम लोग क्या बोलते हैं उसे प्रोबेबिलिटी करोगे तो वहां भी लगेगा. ठीक है, दो ही कलर होता है ब्लैक और रेड. अच्छा ब्लैक कलर का कितना सारा कार्ड होता है? 26 कार्ड होता है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का जो रेड कलर का कार्ड होता है वो भी 26 होता है. ब्लैक कलर का 26 कार्ड होता है, रेड कलर का 26 कार्ड होता है. और देखो क्या क्या इसमें साइन होता है, ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्लब. ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है इसे क्लब बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हार्ट, इसे बोलते हैं स्पेड, इसे बोलते हैं डायमंड. हम लिख देते हैं, ये देख ऐसा एक साइन होता है. ठीक है, ये एक साइन होता है, इसे बोलते हैं स्पेड. ठीक है, इसे स्पेड बोलते हैं, ये स्पेड हो गया. ठीक है, अच्छा इसे हम लोग बोलते हैं हार्ट. अच्छा इसके बाद इसको क्लब बोला जाता है, ऐसे करके होता है. मेरा उतना अच्छा हो नहीं रहा है. ठीक है, जो भी हो मैंने तुम लोग को यहां से दिखा दिया, तुम लोग देख सकते हो. ये हम लोग का हो जाता है क्लब. अच्छा और ये एक डायमंड, ये ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं डायमंड. ये पता करना पड़ेगा हम लोग को. ठीक है, अच्छा अब स्पेड कार्ड कितना सारा रहता है पूरे एक बॉक्स में, जो 52 कार्ड होता है उसमें हर एक कार्ड कितना करके होता है पड़ता है? 13 स्पेड कार्ड होता है, 13 हार्ट वाला होता है, 13 क्लब वाला होता है, 13 डायमंड वाला होता है. ठीक है, तो 13 13 13 13 करके टोटल हो गया 52 कार्ड्स. ठीक है, 52 कार्ड्स होता है और कलर दो होता है, ब्लैक और रेड. अच्छा ब्लैक कलर का कौन कौन सा कार्ड होता है वो भी लिख देते हैं. ब्लैक कलर का होता है स्पेड और क्लब. स्पेड और क्लब वाला जो कार्ड है, मतलब ये और ये दोनों ब्लैक होता है. ये देखो स्पेड वाला यहाँ पर दिखेगा तुम लोग को, ये क्लब है, ये देखो ये क्लब वाला है. ठीक है, और स्पेड वाला ये देखो ये तुम लोग को ब्लैक दिखेगा यहाँ पर, ये देखो ये सब ब्लैक होता है. और बाकी जो डायमंड और ये है, डायमंड और जो हार्ट है वो हम लोग का रेड कलर का होता है. ठीक है, डायमंड और हार्ट वाला जो भी कार्ड होता है वो हम लोग का रेड कलर का होता है. अच्छा कार्ड में क्या क्या रहता है? कार्ड में हम लोग का हर एक जो कार्ड है उसका स्टार्टिंग हम लोग ऐसे इक्का बोलते हैं. तुम लोग अगर कुछ बोलते हो तो मुझे पता नहीं, इक्का होता है, ये देखो ए ए होता है इक्का. इक्का मतलब ये वाला ए वाला, ये देखो ये देखो ये ए लिखा हुआ है. ठीक है, ये ए होता है इक्का. अब ए जो है, ए में यहाँ पर क्या ड्रॉ है? स्पेड है. ठीक है, तो ए स्पेड वाला भी होता है, ए हार्ट वाला भी होता है, ए क्लब वाला भी होता है, डायमंड वाला भी होता है. मतलब हर एक कार्ड में हम लोग का ये होता है ए के क्यू. ठीक है, किंग क्वीन, के होता है किंग, क्यू होता है क्वीन, जे और यहाँ पर टेन, उसके बाद टेन से लेके टू तक होगा. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इतना सारा कार्ड में नंबर होता है. ये देखो यहाँ पर
अगर हम सिर्फ प्लेइंग कार्ड लिखेंगे तो शायद मुझे मिल जाए प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पर ये देखो 52 कार्ड्स यहाँ पर दिखेगा हम लोग को। ये देखो 52 कार्ड्स में, ये देखो 52 कार्ड्स में क्या क्या रहेगा, ये देखो हर एक कार्ड में ऐसे रहेगा। ये देखो ये जो है के क्यू जे, ठीक है, ये देखो ये सब डायमंड वाला है, डायमंड वाला के, डायमंड वाला क्यू, डायमंड वाला जे हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो हर्ट वाले कार्ड में भी सेम चीज रहेगा, ए के क्यू मिलेगा, मतलब ए के क्यू। ये हर्ट वाला कार्ड देखने में रेड कलर का होगा, मतलब हर्ट जो है उसमें रेड कलर का रहेगा, और जो हम लोग का ए के क्यू उसमें सब में ये वाला साइन रहेगा, ठीक है। ये भी सेम तरीके से जे 10 9 8 7 6, ठीक है, 5 4 3 2 1 नहीं होगा, ठीक है, वन इक्का को ही वन बोलते हैं, ये टू तक रहेगा, तभी टोटल 13 कार्ड होगा। देख लो ए के क्यू जे चार हो गया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हाँ 12 13, हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है, ए मतलब इक्का ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर भी सेम वही, इनका भी इक्का रहता है, दोनों के पास ही के कार्ड रहेगा, मतलब दोनों ही इस साइन वाला के कार्ड रहेगा, क्यू कार्ड भी रहेगा, ठीक है, जे कार्ड भी रहेगा, 10 9 8 7 9 8 7 6 5 4 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोग को एक आइडिया दे दिया कि प्लेइंग कार्ड का क्या क्या इसमें रहता है, ठीक है। कलर भी बता दिया, कलर के हिसाब से 26 26 है, ब्लैक और रेड, ठीक है, टोटल 52 कार्ड होता है, और जो है साइन के हिसाब से चार है, साइन में जैसे हम लोग का स्पेड होगा, ये चार ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, स्पेड, हार्ट और क्लब और डायमंड, ठीक है। हर एक कार्ड 13 13 होता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स। पोकर हैंड्स का मतलब होता है, ये मतलब गेम होता है, ठीक है, पोकर हैंड्स पे हमें 5 कार्ड रखना पड़ेगा हाथ में, ठीक है, 5 कार्ड होना चाहिए हाथ में एट ए टाइम पे, ठीक है। तो ये गेम का सिस्टम है, जैसे कार्ड का अलग अलग गेम होता है, तो पोकर हैंड्स पे हम दिखाते हैं। देखो पोकर हैंड्स पे ना हमें 5 कार्ड चाहिए, ये देखो, ये देखो पोकर हैंड्स में हमें हमेशा 5 कार्ड चाहिए, ये देखो तुम लोग को यहाँ पर दिखेगा पोकर हैंड से, ये देखो 1 2 3 4 5, और वो ना सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि देखो ए के क्यू जे उसके बाद 10, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखवाया ना कार्ड का सीक्वेंस जो है रैंकिंग उसी तरीके से होता है। अगर किसी के पास 10 9 8 7 6 है तो ये देखो ये सब नाम होता है अलग अलग, ठीक है, कि ये किसी के पास अगर 3 इक्का आ गया और 2 के है, इसे बोलते फुल हाउस पेयर, ये सब अलग अलग जो है गेम का होता है, जो भी हो। तो पोकर हैंड्स का मतलब अभी क्वेश्चन के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पोकर हैंड्स में क्या होता है कि हमारे हाथ में स्पेशल रैंकिंग के साथ 5 कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स, हम लोग कितने सारे अलग अलग पोकर हैंड्स बना सकते हैं 52 प्लेइंग कार्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल वन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो मेरा तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन वगैरह लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल वन, ठीक है। इसमें कैसे करना है, देखो टोटल 52 कार्ड है, उसमें से हमें एट ए टाइम 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि ये जो गेम है ना पोकर हैंड उसमें 5 ही कार्ड लेना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा भी है इन्होंने, दिस इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 52 कार्ड्स टेकन 5 एट ए टाइम। अगर हमारे हाथ में 5 कार्ड है, लेकिन सिर्फ 5 रहने से नहीं होता, एक स्पेशल रैंकिंग के साथ होता है, मतलब वो गेम का बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें बोला है कि पोकर हैंड हम लोग कितने सारे बना सकते हैं, तो 52C5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 52 में से 5 कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 कर लो, ठीक है। नीचे अगर हम लोग का 5 फैक्टर्स है तो ऊपर भी 5 ही फैक्टर जाएगा, 52 51 50 49 और 48, 1 2 3 4 5। अब कैलकुलेशन करके देखो कितना होगा, तो नीचे हम लोग देख लेते कितना आ रहा है, 5 × 4 × 3 × 2, मतलब 120 हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 120 और ऊपर देख लेते कितना हो रहा है, 52 51 50 49 और 48 डिवाइडेड बाय 120, देखते कितना आंसर आता है, 25,98,960। इतने तरह का जो है पोकर हैंड्स बन सकता है, देखते आंसर क्या है।
2,59,8,960 हाँ, तो ये 2,59,800 960 है, ठीक है, हम लोग का आंसर मैच हुआ है। तो मैंने ये जो डिटेल्स बताया वो तो अभी इस कार्ड यहाँ पर क्वेश्चन में काम नहीं आया, आगे किसी क्वेश्चन में काम आएगा तो हम लोग देखेंगे। अगर अभी यहाँ नहीं भी आता है तो प्रोबेबिलिटी में तो जरूर आएगा, यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, फिर एग्जाम्पल टू में क्या बोला है, देखो, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है, एक जगह पे 8 पॉइंट्स है, ठीक है, जिस जहां पर ये पॉइंट कलेक्टेड है उसको बोला गया है एस, ठीक है। तो फिर बोल रहा है विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट इस तरीके से नहीं है स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक ही लाइन में, मेरा उतना स्ट्रेट नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में जो बोला है 8 पॉइंट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है 3 पॉइंट जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस, ठीक है, हमें क्या करना है, कितने सारे ट्राइंगल बन सकते हैं वो बताना है, जिसका क्या है दैट हैव पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट सी, क्योंकि जब हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं तो 3 पॉइंट को एड करके बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, 3 पॉइंट को एड करके बनाते हैं, तो ये जो एक एक पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टिसेस, ठीक है। तो जब भी हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो हम लोग का 3 ही वर्टिसेस होगा। अब बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वो सारे ट्रायंगल्स बताओ, कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं दैट है पॉइंट ऑफ एस एस वर्टिसेस, ठीक है, जिसमें जो है ये एस में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स वर्टिसेस की तरह यूज होंगे, मतलब सीधा सा बात है कि एस में जितने सारे 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 पॉइंट है जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ऐसा बोला है, उससे हमें ट्राइंगल बना के देना है जिसमें ये पॉइंट को हम लोग ट्राइंगल के वर्टिसेस के तरह यूज करेंगे। मतलब सिंपल क्वेश्चन यही हो गया, 8 पॉइंट में से हम लोग कितने सारे ट्राइंगल बना सकते हैं। अब क्योंकि एक भी पॉइंट हम लोग का, कोई भी 3 पॉइंट हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं है ये बता दिया, यानी सारे पॉइंट से हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होता तो वो 3 पॉइंट से कभी भी हम लोग ट्राइंगल नहीं बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन पे हमें 3 नहीं 2 पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर 3 पॉइंट होगा तो उससे ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर कैसे करके हम लोग आंसर देंगे, ये देखो एग्जाम्पल टू, ठीक है, सपोज कि ये एस, इसमें हमारा 8 पॉइंट है, ठीक है, जैसे पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, ये बी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर सी ले लिया, डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 जी एच, ठीक है, ये सब मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये सब एक एक पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 पॉइंट हो गया। अब ये सब पॉइंट को हमें ऐड करके ट्रायंगल बनाना है, कितना सारा ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे बन जाएगा, अच्छा, फिर ऐसे यहाँ पर ये थोड़ा सा बाहर चला गया, ये देखो ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, और भी बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है, फिर ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे करके बनेगा, फिर यहां से देखो ये ऐसा होके फिर ऐसा करके भी ट्रायंगल बन जाएगा, अलग अलग बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा। तो हमें बोल रहे हैं कितना सारा ट्रायंगल बन सकता है, तो कैसे करेंगे, देखो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ट्रायंगल बनाना है तो हमें सबसे पहले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, उसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, अगर हम लोग ए बी सी पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी जो है ए सी बी का मतलब भी वही है, ए बी सी का मतलब भी वही है ना, तो यहाँ पर परमुटेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन, मतलब ओनली सिलेक्शन मैटर करेगा। तो 8 में से जब भी हमें ट्रायंगल बनाना है कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, 8C3, क्योंकि सारे पॉइंट से ट्रायंगल बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट हम लोग का स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 3 2 1 हो जाएगा नीचे शॉर्टकट के हिसाब से, और यहाँ 8 7 6 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 56, यानी टोटल 56 ट्रायंगल बन सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर तो ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, ठीक है, करना भी पॉसिबल नहीं है, तो 56 हम लोग का ट्रायंगल बन जाएगा। एग्जाम्पल टू का आंसर ऐसे होगा। एग्जाम्पल 3 तो हम लोग लास्ट दिन कर लिए थे, एग्जाम्पल 4 आज करवा दिया मैंने, इसके बाद कौन सा है एग्जाम्पल 5 देखो, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि
ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स, एक पर्सन के 12 फ्रेंड्स है, ऑफ होम 8 आर रिलेटिव्स, ठीक है, कुछ रिलेटिव्स भी उनके फ्रेंड है. इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट, उनको 7 गेस्ट को इनवाइट करना है सच दैट, इस तरीके से दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स, ठीक है, 5 उनमें से रिलेटिव हो. अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला है. इनका पूरा क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है कि ये मान लो एक पर्सन है, ठीक है, इनके टोटल 12 फ्रेंड्स हैं, टोटल 12 फ्रेंड्स है. अच्छा, 12 फ्रेंड में से 8 तो इनके रिलेटिव्स ही होते हैं, ठीक है, मतलब रिलेटिव ही फ्रेंड्स है, 8 ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंड भी है रिलेटिव भी है, इसका मतलब ये हो गया. तो सिर्फ फ्रेंड है ऐसे कितने लोग हो जाएंगे, यानी नॉन रिलेटिव कितने हैं, नॉन रिलेटिव लिखो या ओनली फ्रेंड लिखो, बोलो नॉन रिलेटिव कितने हैं. मैम 4 नॉन रिलेटिव है, 4, ठीक है. अच्छा, इनको इनवाइट करना है टोटल कितने लोगों को, 7 गेस्ट को, ठीक है, इनको इनवाइट करना है 7 गेस्ट को, 7 गेस्ट को इनवाइट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, इस तरीके से इनवाइट करना है कि 5 कम से 5 उनमें से रिलेटिव्स हो, ठीक है, 7 गेस्ट को इनवाइट करना है और कंडीशन ये है कि 5 रिलेटिव हो, तो फिर बाकी कितने लोगों को उनको बुलाना है जो कि रिलेटिव नहीं होंगे. मतलब 5 रिलेटिव बोल दिया है ना फिक्स, तो हम लोग ज्यादा रिलेटिव को तो बुला नहीं सकते हैं, लेकिन 7 लोगों को बुलाना है, तो बाकी किन को बुलाएंगे जो रिलेटिव नहीं है, तो उनमें से कितने लोगों को बुलाएंगे. मैम 4 होने से तो 9 हो जाएगा. 5 रिलेटिव्स को हमें बुलाना है, 7 गेस्ट को टोटल बुलाना है, जिसमें से 5 रिलेटिव्स को बुलाना है, तो बाकी किन को बुलाएंगे, बाकी नॉन रिलेटिव को बुलाएंगे, इसका मतलब यानी जो ओनली फ्रेंड है, तो उनमें से कितने लोगों को बुला सकते हैं. अगर 5 रिलेटिव्स को बुलाएंगे तो और कितने लोगों को बुलाने से 7 गेस्ट होगा, वैसे देखना पड़ेगा ना. मैम 2 तो 2 नॉन रिलेटिव को बुलाना पड़ेगा. बोलो ये समझ में आए कि नहीं, 2 नॉन रिलेटिव को बुलाएंगे तब ना जाके 7 गेस्ट हो जाएगा. 7 गेस्ट को बुलाना है, लेकिन एक कंडीशन है कि 5 रिलेटिव को बुलाना है उसमें से, तो इसका मतलब 2 ही नॉन रिलेटिव को बुला सकते हैं. अच्छा, अब कैसे ये इनवाइट कर सकेंगे, 8 में से इनको किसी भी 5 रिलेटिव को इनवाइट करना है, वो कैसे होगा. अब इसमें सिलेक्शन ही मैटर करेगा, ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा, ठीक है. जो भी तुम लोगों के मान लो 12 फ्रेंड है, ठीक है, जिसमें से तुम लोग के 8 जो है वो फ्रेंड भी है रिलेटिव भी है, ठीक है. अच्छा, अब 8 रिलेटिव है और फिर इसका मतलब 4 सिर्फ फ्रेंड है. अब तुम लोगों का कुछ भी ऑकेशन है जिसमें तुम लोग 7 गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हो, लेकिन 5 हमेशा रिलेटिव को ही बुलाओगे, यानी 2 ही नॉन रिलेटिव को बुलाओगे. अब 8 में से 5 लोगों को बुलाओगे, तो इसमें से जो है यहाँ ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा. जैसे मान लो 8 लोग है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है. अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये 5 लोगों को हम लोग बुला लेंगे, ठीक है, मतलब ए बी सी ई और एफ को, ठीक है. अब ए बी सी ई एफ लिखो या ए बी ई एफ सी लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. तो जब लिस्ट डाउन करोगे गेस्ट लोगों का, तो तुम लोग नाम जो है कोई भी 5 लोगों का लिखो, वो सेम नाम होगा, तो उसमें ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा, यानी कॉम्बिनेशन होगा. तो बोलो 8 में से 5 लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे लिखोगे कॉम्बिनेशन में. 8C5 into 4C2 4C2 होगा. 4 नॉन रिलेटिव में से 2 नॉन रिलेटिव को बुलाना है 4C2, और ये दोनों चीज हमें एक साथ करना है, ठीक है, एक साथ करना है, क्यों, तभी तो जाके 7 गेस्ट होंगे. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन करते हैं. ये तो 2 है, 2 into 1 कर दो और यहाँ पर 4 into 3 कर दो. अब 8C5 का कंप्लीमेंट्री बताओ क्या होगा. 8C3 5 लोगों को बुला रहे हो, यानी 3 को नहीं बुला रहे हो, तो यहाँ पर 3, 2, 1, ये जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए 8, 7 और 6. अब देखो कितना होगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे, ये 6 और 6 कैंसिल आउट, यहाँ से 2, 2 मतलब 4 कैंसिल आउट होके 2 रह गया. 3 into 2, 6, 6 into 7 into 8 यानी 336 हो रहा है, 336 हो रहा है. इतने तरीके से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं 7 गेस्ट को. देखो 336, ठीक है.
अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है ए कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रोमोट टू ऑफ इट्स डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर. ठीक है, एक कंपनी है जिसमें कंपनी प्रोमोशन देना चाहती है. ठीक है, प्रोमोशन देना चाहती है 6 डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट मैनेजर है, 6 डिपार्टमेंट हेड्स. अच्छा, 6 डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट हेड है उनको असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट देना चाहती है, लेकिन कितने को देना चाहती है? कोई भी 2 डिपार्टमेंट में देना चाहती है. ऐसा मतलब क्या बोला है कि कंपनी विशेष टू साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोमोट करना चाहती है 2 of its 6 department head. 6 department head में से किसी भी 2 department head को प्रोमोशन देना चाहती है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में. इन हाउ मेनी वेज दिस प्रोमोशन कैन टेक प्लेस, कितने तरीके से ये पॉसिबल है? तो देखो कैसे होगा. यहां पर हम एक काम करते हैं, 6 जो है डिपार्टमेंट बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब यहां पर मान लो है PQRSTU. ये मैंने क्या नाम दे दिया? ये मैंने नाम दे दिया है असिस्टेंट, नहीं असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, पहले क्या है डिपार्टमेंट हेड. ये सब कौन है? ये है पी डिपार्टमेंट हेड, ये है क्यू डिपार्टमेंट, मतलब क्यू इनका नाम है, ये डिपार्टमेंट 1 है. ठीक है, ये डिपार्टमेंट 2 है, ये डिपार्टमेंट 3 है, ये डिपार्टमेंट 4 है, ये डिपार्टमेंट 5, ये डिपार्टमेंट 6. इस डिपार्टमेंट के हेड है पी, इस डिपार्टमेंट के हेड है क्यू, इस डिपार्टमेंट के हेड है आर, यहाँ पर है एस, और यहाँ पर टी, और यहाँ पर यू. ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये हेड है. ठीक है, समझाने के लिए. अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है. अब इसमें से कोई भी 2 department head को ये असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे. ठीक है, अब अगर कोई भी 2 को असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे तो वो कितने तरीके से हो सकता है ये हमें पूछा है. तो ये देखो हम पहले बिना फॉर्मूले के लिख के दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें कम अमाउंट हो रहा है. ठीक है, मतलब कम होगा कैलकुलेशन, इसीलिए. जैसे देखो ये पी और क्यू को असिस्टेंट मैनेजर बना सकते हैं. ठीक है, अच्छा क्या हम पी क्यू को असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे ऐसा सोच रहे हैं? और क्या ये भी लिख सकते हैं हम क्यू पी को असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे क्यू और पी को, या फिर ये दोनों एक ही बात है? उसी से डिसाइड होगा कि परम्यूटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा. मैम कॉम्बिनेशन होगा. हाँ, मतलब पी क्यू क्यू पी होगा या फिर कोई भी एक तरीके से लिखना है? कोई भी एक, कोई भी एक तरीके से लिखना है. ठीक है, पी क्यू का मतलब ही क्यू पी हुआ ना, अगर हम सोच रहे हैं इन दोनों को बनाएंगे, क्योंकि मेरा पोस्ट तो अलग नहीं है, दोनों को ही असिस्टेंट मैनेजर बनाना है. अगर मेरा एक असिस्टेंट मैनेजर और एक कुछ और होता, दूसरा पोस्ट होता, मान लो मैनेजर. ठीक है, एक होता है असिस्टेंट मैनेजर और एक मैनेजर, तब क्या लगाना पड़ता? तब पी क्यू और क्यू पी एक जैसा होता या फिर अलग बात हो जाता? तब ऑर्डर मैटर करता कि नहीं करता? मतलब तब कॉम्बिनेशन होता कि परम्यूटेशन होता, ये बताओ. तब परमुटेशन होता, क्योंकि P को असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे Q को मैनेजर, या फिर Q को मैनेजर बनाएंगे P को असिस्टेंट मैनेजर, तो तब दो बात अलग हो जाता है. ठीक है, तब पी क्यू क्यू पी एक जैसा बात नहीं हुआ. तो हम लोग पी क्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पी आर को सिलेक्ट कर सकते हैं, पी एस को सिलेक्ट कर सकते हैं, पी टी को, पी यू को, या फिर क्यू आर को. ठीक है, या फिर क्यू एस को, क्यू टी को, क्यू यू को. ठीक है, आर एस ऑलरेडी शायद मैंने लिखा हुआ है, नहीं आर एस नहीं लिखा है, चलो आर एस को, आर टी को, और आर यू को. आर एस, आर टी, आर यू. अच्छा, एस टी को, एस टी को, एस यू को, और टी यू. देखते हैं कितना सारा हुआ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, 15 हो रहा है, 15 वे से हम लोग कर सकते हैं. अब जो है फॉर्मूले से देखते हैं, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, आर का वैल्यू कितना है? बोलो, एन और आर का वैल्यू कितना है? मैम एन का वैल्यू 6 है. हाँ, और आर, आर का वैल्यू 2. हाँ, 2. टोटल 6 में से कोई भी 2 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, तो 6 ही 2 हो जाएगा. अब इसको कैलकुलेट करो, 2 into 1, और ये हो जाएगा 6 into 5, तो कितना आंसर आएगा? 15. ठीक
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 15। ये देखो 15 हम लोग लिख के देख सकते हैं क्योंकि काफी कम कैलकुलेशन था, तो यहाँ प्रैक्टिकली समझ में और भी अच्छे से आ जाता है अगर लिख पाते हैं, लेकिन सारी चीज तो लिखना पॉसिबल नहीं है। 15, ये देखो 15। अब हम लोग एग्जाम्पल 7 करेंगे। देखो एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उनको 3 हेल्पर का जरूरत है एंड 10 मेन अप्लाई। मतलब उन्होंने बोला होगा कि मुझे 3 लोगों का जरूरत है, तो 10 लोगों ने आके उनको बोल दिया मुझे ले लो मुझे ले लो। ठीक है, तो 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते वैसे ही एप्लीकेशन डाल दिया 10 लोगों ने। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन टेक प्लेस, वो कितने तरीके से लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बोलो क्या यहाँ पर परम्यूटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन। मतलब अगर हम लोग 10 में से कोई भी 3 लोगों को लेते हैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने सारे लोगों का एप्लीकेशन आया उस कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि हम जी को ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं और ई को ले लेते हैं। ठीक है, तो जी ए ई को लेना और ए जी ई को लेना, तो बात तो बराबर है। यहाँ पर उन्हें सिलेक्ट करना है एक ही पोस्ट के लिए, या तो कोई पोस्ट अलग अलग है नहीं, तीनों को ही हेल्पर बनाना है। तो जी ए ई लिखो, ए जी ई लिखो या फिर ई ए जी लिखो, तो ऑर्डर तो मैटर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, पहले ऐसे समझना है। यहाँ पर हम बार बार ये बात इसीलिए बोल रहे हैं, तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग तो कॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं, तो बोलने का क्या जरूरत है। लेकिन ये तब प्रॉब्लम होगा ना जब मिक्स्ड अप क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे समझना है कि मुझे कॉम्बिनेशन ही लगाना है वो हम बता रहे हैं। और इसके पहले मैंने परम्यूटेशन में ऐसा इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जब तक एटलीस्ट एक टॉपिक नहीं करोगे तो हम समझा नहीं पाएंगे कि ये परम्यूटेशन क्यों हो रहा है, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि परम्यूटेशन हम लोगों ने सीख लिया है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये परम्यूटेशन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन होगा। तो 10 में से 3 लोगों को इनको सिलेक्ट करना है, और वैसे भी बोल ही दिया है कि कैसे वो सिलेक्शन कर सकते हैं। जब ये वर्ड हमें दिख जाए ना क्वेश्चन में, तो सोच लो कि वो कॉम्बिनेशन ही होगा, और अपने तसल्ली के लिए लॉजिकली सोच के देखो कि क्यों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का कॉम्बिनेशन से आंसर आना चाहिए। तो हमें 10 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। वो हम लोग कितने तरीके से करेंगे, 10C3 तरीके से करेंगे। तो 3-2-1 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर भी 3 फैक्टर्स हमारा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3-3-9-2-4-8, मतलब 120 वेज। 120 वेज में वो 10 में से 3 लोगों को हेल्पर के लिए चूज कर सकते हैं। ये देखो 120 वेज। अच्छा, अब इसके बाद कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 4 × NC2 = N+2C3 फाइंड एन। दोनों केस में हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखो दोनों ही केसेस में हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए का क्या लिखा हुआ है, 4 × NC2 = N+2C3। ठीक है, N+2C3। अच्छा, अब यहां ना जैसे सॉल्व किया हुआ है उस पे हमें ध्यान देने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग का है MCQ, तो N का वैल्यू तुम लोग के पास जो है ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो हम कुछ अपने हिसाब से ऑप्शन दे देते हैं। जैसे ऑप्शन ए में N का वैल्यू मैंने 8 लिख लिया, ऑप्शन बी में मैंने एन का वैल्यू लिख लिया यहाँ पर 7, ऑप्शन सी में मैंने एन का वैल्यू 5 लिख लिया, और ऑप्शन डी में लिख देते हैं नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस को अप्लाई करके। तो एन का अगर वैल्यू हम लोग 8 लेते हैं तो देखते हैं हम लोग का आंसर कितना आता है। तो इधर अगर 8 लिखेंगे तो 8C2 देखते हैं कितना आता है, 4 × 2 × 1 8 × 7, तो देखते हैं कितना होता है, 7 × 2 14 × 8 112 होता है। ठीक है, 112। अच्छा, और यहां पर देखो n+2 मतलब कितना हो जाएगा, 8+2C3 यानी 10C3। 10C3 कितना होगा, 3-2-1, और यहां पर 10, 9 और 8, तो 3-3-9 हो गया, 2-4 मतलब 120। मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए से आंसर नहीं आएगा। चलो ऑप्शन बी से देखते हैं जो कि हम लोग का 7 है। ठीक है, तो 4
सेवन सी टू, देखते हैं कितना आता है, टू इंटू वन सेवन इंटू सिक्स, तो टू सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू सेवन 84 होगा, 84। अच्छा अब यहां पर देखो n प्लस टू, सेवन प्लस टू सी थ्री, मतलब नाइन सी थ्री, तो कितना हो रहा है, थ्री टू वन और नाइन एट और सेवन, तो थ्री थ्री नाइन टू फोर, तो 12 इंटू सेवन 84 हो गया, यानी ये ऑप्शन बी से आंसर आ रहा है, तो दोनों केस में हम लोग का 84 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हम लोग का सही हो जाए, ठीक है, ये वाला आंसर हम लोग का सही आ रहा है। चलो देख लेते हैं कि ऑप्शन हम लोग का सेवन है कि नहीं, तो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग एन का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर एन का वैल्यू टू और सेवन दोनों ही दिया है, ठीक है, टू और सेवन, ठीक है, तो तुम लोग का जो ऑप्शन रहेगा ना उसमें यहाँ पर जैसे मान लो सेवन कॉमा टू भी रहेगा, ठीक है, दो वैल्यूज रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक जगह सेवन है एक जगह टू है, ऑप्शन में ये दो दो ऑप्शन रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर एट और थ्री है, यहाँ पर फाइव और सेवन है, ठीक है, अगर एट से मेरा मैच नहीं हो रहा है तो हम थ्री से क्यों चेक करें, करने का जरूरत नहीं है, हाँ अब कंफर्मेशन के लिए टू से चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, अगर मेरा ये सेवन से मैच हो रहा है, मैंने आंसर यहाँ पर देख के लगा दिया, अब देख लो टू से मैच हो रहा है कि नहीं, तो फोर इंटू टू सी टू, तो फोर इंटू टू सी टू मतलब टू इंटू वन और टू इंटू वन, यानी कि फोर इंटू वन फोर हो जाएगा, और वैसे भी 2c2 हम लोग का 1 होगा, ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन लिखवाया था, ये देखो ncn 1 होगा, ये देखो ncn 1 होगा, nc0 भी 1 होगा, तो इसका भी यूज करेंगे। अच्छा इसके बाद देखो 2 plus 2c3, तो यहां पर हो गया 4c3, तो 4c3 का कंप्लीमेंट्री 4c1 हो जाएगा, और ये देखो जल्दी कैलकुलेशन हो गया, फोर हो गया, तो मैच हो गया, इसका मतलब एन का वैल्यू सेवन और टू होगा, और ऑप्शन में ना अगर दो आंसर रहेगा तो मैं दो ही देगा, अगर एक होगा तो एक ही देगा, कोई भी एक ही आंसर हमारा मैच होगा, अब अगर ऑप्शन में दो दे देगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्व करके दो आंसर लाया हुआ है इसलिए मैंने दो लिखा है, अगर ऑप्शन में दो देगा दोनों से ही चेक करते हुए जाओ, लेकिन अगर एट से मैच नहीं हुआ तो थ्री से चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों से ही मैच होगा तो ही आंसर वही वाला ऑप्शन लेना है अगर दो है, और अगर एक ही आंसर दिया हुआ है तो उसी से चेक करें। हाँ अब और एक चीज भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर 8.2 दे दिया, ठीक है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा 2 से तो मैच हो जाएगा, जो कि हमें अभी दिखा 2 से मैच हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, दोनों से होगा तो ही आंसर देना है ना, तो इसका मतलब हम लोग को ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये तो हम लोग का ए वाला पॉइंट हो गया, अब यहाँ पर एक बी भी दिया है, एन प्लस टू सी एन इक्वल टू 45, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, एन प्लस टू सी एन इक्वल टू 45, इसमें भी हम ऑप्शन रखते हैं, एन का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 6 और एन का वैल्यू नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस को हम एन ओ टी लिख देते हैं, नन ऑफ दिस, अब चेक करो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए से चेक करते हैं, 8 प्लस टू सी 8, देखते हैं कितना होता है, 10c8, अब इसका कंप्लीमेंट्री कितना होता है, 10c2, क्योंकि 8 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 2 को रिजेक्ट करना, तो 2 इंटू 1 और 10 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 45 हो जाएगा, तो आंसर 45 आ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का सही है, मैंने स्टार्टिंग वाला ही ऑप्शन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ए का वैल्यू हम लोग का, सॉरी एन का वैल्यू 8 आ रहा है कि नहीं, ये देखो एन का वैल्यू हम लोग का 8 आ रहा है, ठीक है, 8 होगा, यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखा है, क्योंकि सॉल्व करना तुम लोग के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन रहेगा उसी से करना है, सॉल्व करोगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो वो करना ही नहीं है हमें, ठीक है, हमें कौन सा लिख के दिखाना है, तो ऐसे करके करना पड़ेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल 9 देखते हैं, देखो एग्जाम्पल 9 में क्या बोला है, ए बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट ऑल 3 आर रेड, नन इज रेड, नन ऑफ ईच, वन ऑफ इज ईच कलर, ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ कर लेते फिर बताते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसमें
कुछ बॉल्स है, सेवन रेड बॉल है, सेवन रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, सेवन रेड बॉल है. अच्छा और इसमें क्या है, 4 6 व्हाइट बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है. अच्छा और है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल है 4 4 ब्लू बॉल है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड, हमें हम लोग कितने सारे 3 बॉल का सिलेक्शन कर सकते हैं, सो दैट ताकि ऑल 3 आर रेड. ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है ऑल 3 आर रेड, तो यहां पर हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन है ऑल 3 बॉल्स आर रेड. हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि सभी बॉल रेड बॉल ही निकल के आए. हमें कितने सारे बॉल को निकालना है, इस बॉक्स में से हमें 3 बॉल को निकालना है, लेकिन ऐसे निकालना है ताकि तीनों का तीनों ही रेड आए. वो कैसे पॉसिबल है बोलो, किसमें से सिलेक्ट करेंगे कि हमें तीनों बॉल ही रेड मिल जाए, बोल सकते हो? मैम 7 रेड बॉल से 3 सिलेक्ट करेंगे. हाँ, अगर रेड में से ही सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल में से ही हम लोग निकालेंगे ना, तो ही हमारे पास रेड बॉल आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, एन का वैल्यू हम लोग का 7, 7 में से हमें 3 को सिलेक्ट करना है. ये 7 मैंने कहाँ से लिया, ये 7 बॉल में से हमें 3 कोई भी बॉल लेंगे तो हमारे पास तीनों का तीनों जो है रेड बॉल आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, 3 रेड बॉल आ रहा है. अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 7C3 3 2 1 7 6 और 5, तो 6 और 6 कैंसिल आउट, ये हो गया हम लोग का आंसर 35. अच्छा नेक्स्ट वाला बोला है नन इज रेड, एक भी रेड बॉल ना, ठीक है, एक भी रेड बॉल ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैम व्हाइट और ब्लू से बस सिलेक्ट करेंगे. हाँ व्हाइट और ब्लू से, हाँ सही, रेड को लेंगे ही नहीं, तो हमारे पास टोटल कितने बॉल हो जाएंगे, 10, उसमें से कितना सिलेक्ट करना है, करना तो हमेशा 3 ही है, हमें बोल ही दिया है 3 बॉल, तो 10C3 3 2 1 10 9 8 120 सिलेक्शंस हो जाए. और नेक्स्ट बोला है, और एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, One is of each color. मतलब एक वाइट हो जाएगा, एक रेड हो जाएगा और एक ब्लू हो जाएगा, चाहे किसी भी सीक्वेंस में निकालो. मैंने व्हाइट रेड ब्लू ड्रॉ किया है, तुम लोग रेड व्हाइट ब्लू कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई भी 3 बॉल निकालना है. वो कैसे पॉसिबल है, अगर हमें एक रेड एक व्हाइट और एक ब्लू चाहिए तो हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा, इसमें से कोई एक और इसमें से कोई एक. ठीक है, तो पहले केस में जब हम लोग व्हाइट बॉल ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले व्हाइट ड्रॉ कर लिया है, तो उसमें एन कितना होगा और आर कितना होगा, ऐसे देख के बताओ यहां से. बोलो व्हाइट बॉल वाले केस में एन कितना होगा, मैम एन 6 होगा और आर 1 होगा. हाँ, और जो रेड बॉल है उसमें एन कितना होगा और आर कितना होगा, आर तो 1 ही होगा, एन कितना होगा, कितना सारा है देखो, 7 है, एन 7 होगा. हाँ, और ब्लू वाले केस में एन कितना होगा और आर कितना होगा, आर तो 1 ही होगा, एक ही लेना है, एन 4. हाँ 4 हो जाएगा. अब इसका कैलकुलेशन लिखेंगे, तो ये हम लोग का हो जा रहा है 6C1 7C1 और 4C1, और ये तीनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए. ठीक है, तो 6C1 यानी एक व्हाइट बॉल का सिलेक्शन, 7C1 यानी एक रेड बॉल का सिलेक्शन, 4C1 यानी कि
एक ब्लू बॉल का सिलेक्शन, तो जाके तीन बॉल एक साथ लेना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 6 by 1, 7 by 1 और 4 by 1, 6 into 4, 24 into 7, 168 वेज हो जाएगा, 168 वेज, देखते हैं। हाँ, ये 168, इसके पहले 120 और 35, 120 और 35, ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 10, ठीक है, एग्जाम्पल 10 में हमें बोल रहा है कि इफ 10 p r = 10 c r = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 10 p r लिखते हैं, टेन पी आर 6,04,800 और 10 c r 120, हम लोग को बोला है कि r कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए। देखो, एग्जाम में हमें ऑप्शन दे देगा तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, r का वैल्यू हमें जो जो भी दे देगा ABCD ऑप्शन, उससे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन यूज करके कर सकते हो, बट इसमें एक ट्रिक है जिससे बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर हम लोग ऑप्शन यूज नहीं करते तो भी हो जाएगा। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है कि NCR का जो हम लोग का मेन फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा था, NPR/R, है ना। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट में करते हैं तब बात अलग है, नॉर्मली हम लोग का क्या हो जाएगा, NPR/R, जो हम लोगों ने सीखा था लास्ट दिन स्टार्टिंग में। तो ये जो NCR है और ये जो NPR है, तो हम लोग 10CR की जगह लिख सकते हैं 10 PR/R, लिख ही सकते हैं क्योंकि NCR का मतलब NPR/R, तो मैंने वही किया। अब 10CR का वैल्यू है, 10CR का वैल्यू इधर लिखते हैं कितना है, 120, 10PR का भी वैल्यू है 6048 00 और नीचे आ गया R/, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 120 × R/ और 6048 00, तो R/= 6048 00/120, देखो कितना आता है, 6048 00/120, यानी 5040, R/= 5040। अब तुम लोग बताओ कि ये R का वैल्यू नहीं है, ये R/ का है, तो कितने का फैक्टोरियल 5040 होता है, वो कैलकुलेटर पे करके देखो कितने का फैक्टोरियल 5040 होता है, मल्टीप्लाई करके देखो ना कितने का फैक्टोरियल 5040 होता है, 1, 2, 3 करके मल्टीप्लाई करते जाओ, मैम 7 का, हाँ 7 का, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, R/= हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 5040 की जगह 7 लिख सकते हैं, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। हम लोग R/ की जगह 7 लिख सकते हैं, तो R का वैल्यू हम लोग का 7 हो जाएगा, ये देखो R का वैल्यू हम लोग का 7। तो R का वैल्यू कभी कभी क्या होगा, गलती से ऐसे सॉल्व करने से हो सकता है कि 5040 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा कैलकुलेशन था मैंने बता दिया, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये सब हम लोग एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन रहेगा, जैसे किसी ना किसी ऑप्शन में तुम लोग का मान लो 7 रहेगा, तो वो 7 पुट करके तुम लोग को देखना है ये आ रहा है कि नहीं, और यहाँ 7 पुट करके ये आ रहा है कि नहीं, तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है, या तो ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर ये भी काफी शॉर्टकट है, काफी ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा हमें, ठीक है, या फिर ऑप्शन से किया जाए। नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉपर्टीज दिया है यहाँ पर, NCR = NCN - R, ये मैंने तुम लोग को बता दिया, ये हम लोग का कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, NCR = NCN - R, देखो मैंने पहले ही तुम लोग को सिखाया,
एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये वाला हम लोग कर चुके हैं जो कि कंप्लीमेंट्री रिलेशन है. नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला देखो, एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन. ठीक है, ये वाला एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका हमें जरूरत पड़ेगा अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे. देखो यहाँ पर और एक फॉर्मूला है, एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एनसीआर प्लस एनसीएन माइनस आर, आर माइनस वन, सॉरी आर माइनस वन. ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, देखो एन प्लस वन सी आर, यहां पर है एनसीआर और एनसीआर माइनस वन. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर सीखा था. ठीक है, अभी ये अलग हो गया. ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा. देखो कहां कहां इसका यूज होता है, क्यों याद रखना पड़ेगा, करते करते याद हो जाएगा. एन प्लस वन सी आर एनसीआर एनसीआर माइनस वन, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, दोनों जगह पे ही n है, यहाँ n प्लस वन है. ठीक है, और यहाँ r है और यहाँ r माइनस वन हो जाएगा, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर देखो, एक साइड में n प्लस वन है, इधर n है और इधर भी n है, ये प्लस है आइटम, और ये c c, यहाँ पर भी c हो जाएगा. यहाँ r है, यहाँ r माइनस वन, r से कम हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ r रहेगा. ठीक है, ऐसे एक दो बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा. अब देखते हैं इस पे कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं. और ये मैंने पहले बता दिया था, एनसी जीरो और एनसी एन वाला, ये पहले ही मैंने बता दिया था. अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 11 करेंगे. बोल रहा है कि इफ आर, फाइंड आर इफ 18 सी आर इक्वल टू 18 सी आर प्लस टू. एग्जाम्पल 11, 18 सी आर इक्वल टू 18 सी आर प्लस टू, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड आर. ठीक है, फाइंड आर. अब इसमें भी तुम लोग का ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन से तो कर ही सकते हो. जैसे मान लो आर के लिए हमें एबीसीडी ऑप्शन दे दिया है, वहां से पुट करके आराम से तुम लोग आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं, आर का वैल्यू मान लो 8 है, या फिर 5 है, या 9 है, या फिर नन ऑफ दिस है. ठीक है, तो हम लोग पहला ऑप्शन 8 पुट करके देखते हैं, तो 18 सी 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पर 18 17 16 15 14 13 12 और 11. ठीक है, इसमें कंप्लीमेंट्री भी करेंगे तो भी हमें 10 बार लिखना पड़ेगा, तो यही ठीक है. कंप्लीमेंट्री करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा, तो उसमें हमारा ज्यादा फैक्टर्स लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखो ऐसे करके कर सकते हैं, 18 × 7 10 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 × 11 हो गया. अब डिवाइड करो, डिवाइड 8, डिवाइड 7, डिवाइड 6, डिवाइड 5, डिवाइड 4, डिवाइड 3, डिवाइड 2, तो 43,758. अच्छा, और 18 सी आर प्लस टू, 18 सी आर मतलब 8 प्लस टू 10 हो गया, तो इसका आंसर तो वही आएगा. क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट्री रिलेशन तो हमें यही बताता है कि 18 सी 8 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री होगा 18 सी 10, और कंप्लीमेंट्री में दोनों का वैल्यूज इक्वल होता है, तो 18 सी 8 और ये अगर 18 सी 10 है तो दोनों का आंसर हम लोग का सेम हो जाएगा, अगर ये दोनों कंप्लीमेंट्री होगा तो. ठीक है, दोनों कंप्लीमेंट्री होगा तो दोनों का आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, तो ये 8 से ही आंसर मैच हो गया. मैंने पहले ही रखा था आंसर इसीलिए, तो इसका मतलब आर का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग का 8 हो जाएगा. ये देखो R का वैल्यू 8 हो गया, लेकिन इसे हम लोग ये वाले फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन आएगा देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज में जहां पर हमें फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ा, तो इसको ना हम अल्टरनेटिवली फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी थोड़ा तुम लोग को बता देते हैं. ठीक है, अगर कर पाते हो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन अगर रहा तो ऑप्शन से तो कर ही लोगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर हमें थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं. तो देखो 18 सी आर इक्वल टू 18 सी आर प्लस टू दिया है. ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं,
18 सीआर को, ये देखो 18 सीआर, इसका हम लोग कंप्लीमेंट्री क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 5C4 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 5C1, इसका मतलब हम लोगों ने इसे कैसे किया, 5C4 माइनस, यहाँ पर सॉरी 5 माइनस 4 कर दिया तब तो जाके 5C1 हुआ, मतलब 18CR का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 18C 18 माइनस R होगा। सोच के देखो, अगर मेरा 5C4 का कंप्लीमेंट्री 5C1 है, मतलब 5 फिक्स्ड रहेगा, तो 18 फिक्स्ड रहा, C जैसा है वैसा रहेगा, C जैसा है वैसा रहा, 4 हो गया मेरा 1, कैसे हुआ 5 माइनस 4, मतलब हम बोल रहे हैं पांच चीजों को सिलेक्ट, पांच में से चार को सिलेक्ट करने का मतलब एक को सिलेक्ट नहीं करना, तो 18 में से आर चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 18 माइनस आर चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जो है कंप्लीमेंट्री रिलेशन को लिख सकते हैं, मतलब ये डिफाइन कर सकते हैं कि 18 सी आर का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है 18 सी आर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 18 सी आर का वैल्यू दिया है 18 सी आर प्लस 2, ये हमें गिवन है, ये हम लोगों ने कैसे बनाया, ये कंप्लीमेंट्री के वजह से बनाया, ठीक है कंप्लीमेंट्री रिलेशन के वजह से ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऐसे 18 सी आर इक्वल टू 18 सी आर प्लस 2, 18 सी आर प्लस 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वल कर लेते क्योंकि 18 सी आर का वैल्यू कंप्लीमेंट्री करोगे तो इतना आएगा और जो क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों अगर इक्वल है, यहाँ यहाँ 18 है, यहाँ कॉम्बिनेशन है और 18 माइनस आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं 18 माइनस आर इक्वल टू आर प्लस 2, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, ये इसका वैल्यू जो आएगा और इसका वैल्यू जो आएगा बोल रहे इक्वल आएगा, तभी तो इक्वल लिखा है हम लोगों ने, तो इसका मतलब एन जो है यहाँ आर भी वही होगा, तो ये दोनों आर हम लोग का इक्वल होगा, तो 18 माइनस आर इक्वल टू आर प्लस 2, यहां से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 18 माइनस 2 इक्वल टू आर प्लस आर, यानी कि 16 इक्वल टू 2 आर, देयरफॉर आर इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है आर इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये थोड़ा तो टफ है क्योंकि फॉर्मूला याद रख के तुम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन अगर देखो ऑप्शन के साथ हो जाता है तो अब ये सब चक्कर में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ कि ऑप्शन से नहीं हो रहा है, हो जाएगा, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा, एक आधा क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम इसी क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले को लिख मतलब करवा रहे हैं, ताकि तुम लोग के दिमाग में ये फॉर्मूला थोड़ा से सेट हो जाए कि फॉर्मूला कैसा है, जितना हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एग्जाम्पल 11 जो है वो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही करना है एग्जाम में तुम लोग को, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, जस्ट फॉर्मूले को एक बार जो है रिकॉल करवाने के लिए हम कर रहे हैं। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 12 दिया है, ठीक है, इसमें हमें बोला है प्रूफ करने के लिए, ये वाला देखो प्रूफ प्रूफ तो देता नहीं है एमसीक्यू में, ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन हम करके दिखा देते क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। तो एनसीआर इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया हम लिख के दिखाते हैं, हम लोग को प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, प्रूफ का मतलब वही होता है। तो क्वेश्चन है एनसीआर इक्वल एन माइनस टू सी आर माइनस टू, देखते हैं एन माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस टू इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस टू सी आर, प्रूफ करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग का सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ये वाला साइड लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या डेटा है n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस टू इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस टू सी आर, ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा है और कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा लिख लिया और ये राइट हैंड साइड वाला डेटा इधर लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ऐसे करके डिस्क्राइब करेंगे n माइनस टू सी आर माइनस टू, क्योंकि ये 2n माइनस टू सी आर माइनस वन है, इसको हम लोग दो बार लिख लेते हैं, देखो इसको हम लोग दो बार लिख लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, जैसे देखो अगर हम लोग 2x को ऐसा लिख सकते हैं x प्लस एक्स, ठीक है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, 2 इंटू जो वैल्यू है उसको हम दो बार लिख रहे हैं। अब हम लोग जिन दोनों से फॉर्मूला बनेगा उन दोनों को एक ही जगह पे लिखेंगे, जैसे n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस एन माइनस टू सी आर माइनस वन से हम लोग का जो है फॉर्मूला ये फॉर्मूले में आ जाएगा, अभी हम दिखाते हैं कैसे आ जाएगा,
ये मैंने दोनों को एक एक जगह पे लिख दिया, ये दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा, ये दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा। अच्छा अभी प्लस वाला हम लोग का कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है, ठीक है, एक ही तो फॉर्मूला है जिसमें इधर एक डेटा है इधर दो डेटा है। तो यहाँ का डेटा क्या बोल रहा है कि एन, ये देखो फॉर्मूला क्या है, ऐसे याद रखने के लिए मैंने बोला यहाँ पर एन प्लस वन होगा, इधर एन है और इधर भी एन है, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ भी सी, यहाँ एक आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ आर माइनस वन है, ठीक है, ऐसे ही देखा था। उस इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये दोनों एडिशन दिख रहा है तो मेरा यहाँ सिंगल डेटा होना चाहिए। क्या मेरा फॉर्मूला ये जो है मैच हो रहा है, नीचे आर और आर माइनस वन होना चाहिए, एन तो मेरा मैच हो रहा है, देखो दोनों जगह पे मेरा एन, एन के जगह एन माइनस टू है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा सेम होना चाहिए। फॉर्मूला मेरा क्या बोल रहा है, देखो फॉर्मूला मुझे बोला है कि एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, यही फॉर्मूला मुझे बोला है। तो दोनों जगह पे मेरा ये एन इक्वल होना चाहिए, तो ये प्लस आइटम है, मतलब इसको कंबाइन करके ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखो दोनों जगह एन के जगह मेरा एन माइनस टू है, ठीक है, और एक जगह पे आर है तो एक जगह पे आर माइनस वन है। यहाँ आर के जगह कितना है, आर के जगह है मेरा यहाँ पर एक जगह r माइनस टू है, एक जगह r माइनस वन है, ठीक है। तो मेरा r माइनस टू और r माइनस वन में बिगर डेटा कौन सा है, r माइनस वन है, क्यों, जैसे r और r माइनस वन में बिगर डेटा r है, ठीक है, ये r का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 होगा तो ये 5 हो जाएगा, वैसे ही r माइनस वन और r माइनस टू में जो इंक्रीज बड़ा वैल्यू है वो r माइनस वन है, क्योंकि देखो r का वैल्यू जो भी हो वहां से एक कम होगा, यहाँ r का वैल्यू जो भी होगा वहां से दो कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू, ये n हमें बता रहा है और ये जो है ये हमें r बता रहा है, जो कम होगा वही हमें r बताएगा। तो r माइनस वन क्या हो जाएगा, r की जगह है r माइनस वन, ये देखना है r की जगह हमारे पास क्या है, r माइनस वन ऑलरेडी है तो माइनस वन और एक बार, यानी r माइनस टू, फिर से समझो ये वाला पॉइंट, n के जगह हमारे पास n माइनस टू है, ठीक है, और r के जगह हमारे पास r माइनस वन है, तो मुझे निकालना है r माइनस वन, तो r की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा r माइनस वन, r माइनस वन में r की जगह r माइनस वन और ये माइनस वन मेरा हो जाएगा, यानी r माइनस टू, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मूले को कंबाइन करके हमें क्या लिखना है, एन प्लस वन सी आर, ठीक है, एन प्लस वन सी आर, तो मेरा तो n के जगह है n माइनस टू, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n के जगह अगर मुझे लिखना है n प्लस वन, तो n के जगह मेरे पास है n माइनस टू, n माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, यानी n माइनस वन हो जाएगा, ये मिला के, ठीक है, ये देखो n माइनस टू प्लस वन हो गया, यानी n प्लस वन सी आर, आर मेरा कौन सा है, r माइनस वन है, ठीक है, इस तरीके से होगा। जितना समझ में आता है ट्राई करो, ठीक है, कि मुझे नहीं लगता इतना हम लोग का एमसीक्यू इस तरीके से आता है, मतलब आता तो है नहीं नॉर्मली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा और कुछ नहीं। अब इसमें सेम तरीके से करेंगे, यहाँ देखो दोनों सेम है कि नहीं है, ये क्या होता है एन होता है, यहाँ पर एन का वैल्यू एन माइनस टू है, अच्छा आर कौन सा है, आर हम लोग का आर ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरा एन सी आर और ये एन सी आर माइनस वन, हमें लिखना है एन प्लस वन सी आर लिखना है, तो एन के जगह क्या लिखेंगे, एन माइनस टू प्लस वन और आर के जगह आर ही लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस टू प्लस वन सी आर के जगह आर लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइन फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने सीखा वो बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एन माइनस टू प्लस वन यानी एन माइनस वन ही होगा, सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को फिर से कंबाइन करेंगे, ये दोनों में देखो ये n क्या है, n माइनस वन है, n के जगह है n माइनस वन और r के जगह r है, लिखना क्या है हमें n प्लस वन सी आर, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड वाला डेटा है, ये देखो लेफ्ट हैंड वाला जो डेटा है n प्लस वन सी आर लिखना है, ठीक है, सेम फॉर्मूले पे ही चल रहा है, देखो फॉर्मूला याद हो जाएगा अगर थोड़ा कोशिश करोगे तो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन, ठीक है, ये मेरा n है, n प्लस वन सी आर, तो n सी आर हो जाएगा, ठीक है। और यही देखो हमें प्रूफ करने बोला था कि n सी आर कितना होगा, मतलब इधर प्रूफ करेंगे तो n सी आर हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूफ्ड,
ठीक है, ये प्रूफ इस तरीके से नहीं आएगा इतना हम बोल सकते, लेकिन हो सकता है कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़े कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी, जहां पर हमारे ऑप्शन से काम ना चले। इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम लोग को इस क्वेश्चन को करवा दिया, ताकि फॉर्मूला 2-3 बार अगर हम लोग रीड करेंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत चला ही जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके प्रूफ, पहले राइट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पर जो 2 into था उसको मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, फिर ये दोनों पार्ट को एक जगह पे लिया, फिर ये दोनों पार्ट को एक जगह पे लिया। यहां तक तुम लोग को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुम लोग को जस्ट ये समझना है कि मेरा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है n+1 CR इक्वल टू NCR और NCR-1। ठीक है, तो मेरा ये दोनों प्लस आइटम मतलब इधर वाला लिखा हुआ है, मुझे इससे इसमें ट्रांसफर होना है। ठीक है, इसमें मेरा एन के जगह n-2 है और आर के जगह क्या है, r-1 है। क्यों मैंने आर को ही r-1 से रिप्लेस किया, आर को मैंने r-2 क्यों नहीं बोला, क्योंकि आर और r-1 में आर बिगर वैल्यू है, तो ये दोनों में बिगर वैल्यू आर है तो स्मॉलर r-2 है, तो आर को r-1 करना पड़ेगा। तो ये अगर मेरा आर है तो r-2 कैसे आया होगा, r-1 करके, और आर का वैल्यू अगर r-1 है तो r-1 यानी r-2 करके आया। अब इसे कंबाइनली क्या लिखना पड़ेगा, n+1 CR, तो n का वैल्यू है n-2+1 यानी हो जाएगा n-1, और r का वैल्यू अगर मेरा r-1 है तो n-1 CR-1 हो जाएगा। इस तरीके से इधर भी हमें करना पड़ा, फिर से ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पर एक जिस्ट में आ गए और यहाँ पर समरी बन गया NCR। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गए, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। एक बार तुम लोग इसको ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है, तो समझ में आएगा, और नहीं आता है तो हम फिर से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर 13 वाला देखो, 28C2R 24C2R-4 225:11 फाइंड R, हम लोग को बोला है R को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल 13, 28C2R इज टू 24C2R-4 इक्वल टू 225:11 R फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहेगा, उससे हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में ले लेते हैं 7, बी में 5, सी में 9 और डी नन ऑफ दिस। चेक करते हैं 7 से आंसर होगा कि नहीं, तो 28C 7 into 2 यानी 14 हो जाएगा, 28C 14। ठीक है, अच्छा, और 24C 2R मतलब 2 into 7 - 4 यानी कितना हो जाएगा, 24C यहाँ पर 14 - 4 यानी कि 10 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब चेक करके देखते हैं कितना आंसर आता है, तो 28C 14, इसका कंप्लीमेंट्री भी करेंगे तो 14 ही आएगा, तो कंप्लीमेंट्री करके तो कोई फायदा नहीं है, तो 28C 14 का देखते हैं कितना आंसर आता है। तो अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 28 into 27, अच्छा यहाँ कितना सारा फैक्टर होगा, 14, 13, 12 ऐसे करके, 12, 11 फिर इसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, तो यहाँ पर 14 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15 तक जाएगा। ठीक है, 15 तक जाने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, देखते हैं होता है कि नहीं। 28 into 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15 एरर दिखा दिया, इतना सारा डेटा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 28 into 27 into 26 into 25
इंटू 24 इंटू 23 तक कर लिया, देखो मैंने यहां तक कर लिया, अब ये सबसे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, नीचे उतने सारे डेटा से ही डिवाइड करते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, ठीक है, जो भी आ रहा है, अब इंटू फिर से स्टार्ट करते हैं, 22 21 20 19 और यहां पर 18, अच्छा 18 तक कर लिया, अब फिर से डिवाइड करते हैं, 18 तक कर लिया, अब फिर से डिवाइड करते हैं यहां पर इतना तक, ठीक है, डिवाइड करेंगे 8, 7, 6, 5, 4, तो डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, ये जो भी आंसर आया, इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 3, 2, 1 मतलब डिवाइडेड बाय 6, अच्छा ये गलत आ गया, इतना ज्यादा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलत हो गया है, अच्छा देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है एक काम करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, हाँ कैलकुलेट करते हैं, चलो 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, अच्छा ये भी 2 आ जाएगा, 13 2s, ठीक है, अच्छा यहाँ पर और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 है, 3 into 2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, अच्छा यहाँ पर 5, 4, 4, 2, 2, 11, 6, 3, अच्छा 3, 9 और यहाँ पर 7, 3, 4, 4, अच्छा यहाँ 10 और 9 बचा है, 9, 3, 3 और ये 9 कैंसिल आउट, यहाँ 10 बचा है, सिर्फ और सिर्फ 10 और 11 बचा है, 10, 5, 3, 5, 2, ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये 3 बच रहा है और ये नीचे 11 बचा है, नीचे 11 बच रहा है, ठीक है देखते हैं कितना आता है, यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 into 2 into 25, फिर यहाँ पर 23, अच्छा 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 23 into 23, अच्छा इसके बाद 19 और 17, फिर उसके बाद 4 into 3, 12, ये कुछ इतना आ जा रहा है, पता नहीं सही आया भी कि नहीं, 4011600, ठीक है 28C14 का, अच्छा 24C10 का देखते हैं कितना आता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और यहाँ पर 24, 23, 22, 21, 20, 20 के बाद 19, फिर इसके बाद 18, 18, 17, 16, तो यहाँ पर 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक बार होगा 15, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है अब इसका चेक करते हैं कितना हो जाएगा, तो 8, 3, 24, अच्छा यहाँ पर हम लोग का 7, 3, 21, 5, 4, 20, 6, 3, 18, 3, 3 कैंसिल आउट, 4 into 2, 8 हो गया, 8 से 2 कैंसिल मतलब 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर है 9, कितना होगा 3 और ये 5, बस यहाँ तो मुझे और कुछ कैलकुलेशन, हाँ ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 बचा है, 5, 2, 10 हो जाएगा, 2, 11 हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है, 23 into 11 into
3, 4, 19 × 3, 4 यानी कि 12 × 19 यहां तक लिया मैंने, इसके बाद 17 × 2 1, 9, 1, 9, 6, 1, 2, 5, 6 और ये हम लोग का इतना आ रहा है। हम लोग को देखना है 2, 2, 5 और 11 आएगा कि नहीं, तो इसको हम लोग अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1729, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आया 1961256 और इसमें आ रहा है हम लोग का 4011 6600 पता भी नहीं मुझे सही आया कि नहीं, चलो 11 आना चाहिए। अगर इसको 11 लाते हैं तो 17296 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा 1 लिख लेते हैं, 178296 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 11 आ जाएगा, और 4011 6600 को अगर हम लोग 178296 इससे डिवाइड करते हैं तो 225। हाँ चलो ठीक है, मैच हुआ, इतना मेहनत काम तो आया। ये देखो 225 आ गया और इधर हम लोग का 11 आ गया। तो ये कैलकुलेशन ना थोड़ा सा हमें जो है नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं पूरा कैलकुलेटर में होगा तो एरर दिखाएगा, वैसे डिवाइड कर करके कर सकते हो। जैसे मैंने किया कि यहाँ से 5 डेटा कैलकुलेटर पे ले लिया, ऊपर का मान लो 5 डेटा ले लिया, नीचे का भी 5, फिर ऊपर 5 नीचे 5, ऐसे करके करोगे तो शायद कैलकुलेटर पे आ जाए, अदरवाइज हमें एरर दिखाएगा क्योंकि इतना बड़ा डिजिट है। ठीक है, अब मैंने तो अपने हिसाब से कैंसिल आउट किया है, तुम लोग करके देख सकते हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि तुम लोग फिर से इसको एक बार फ्रेशली करके देख सकते हो। आंसर तो सही आ गया है तो इसका मतलब सही हुआ होगा, लेकिन मेरा यहाँ पर कैंसिल आउट अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया किसके साथ किसका, मैंने भी रैंडमली कर दिया ठीक है, जहां जहां मेरा कैंसिल आउट हो रहा था, तो तुम लोग एक बार खुद से करके देख सकते हो कि किस तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी ये आंसर आ जा रहा है जिससे हम लोग का आंसर मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन A7 करेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें 7 दिया है कि नहीं। हाँ 7 दिया है, और इससे देखो और एक चीज भी पता चलता है कि हम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन देगा और ऑप्शन दे भी देता है तो भी हमारा काफी मेहनत है, क्योंकि क्वेश्चन का जो मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल 14 और बस एग्जाम्पल 14 ही है, और ये 15 में कुछ स्टैंडर्ड परमुटेशन दिया है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ का हमें जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल 14 दिया है। इसके आगे देखते हैं शायद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड परमुटेशन जो कि मैंने करवा दिया है परमुटेशन में यहाँ पर पहले ही, ठीक है एक सेकेंड जस्ट देख लेते हैं। हाँ इसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वाला हम थोड़ा सा करवा देते, ये लास्ट वाला है ठीक है, और नहीं करवाएंगे ताकि हमारा ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाए, वहां पर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जा सके। तो ये वाला देखो आसान है, एग्जाम्पल 14 दो मिनट लगेगा। देखो एग्जाम्पल 14 में हम लोग को बोला है कि फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है अगर 12c5 + 2 × 12c4 + 12c3 = 14cx है, मतलब 12c5 + 2 × 12c4 + 12c3 = 14cx है, तो हम लोग को बोल रहा है कि x इक्वल टू कितना होगा ये बताओ। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, जैसे x का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर दो वैल्यू होगा ठीक है, 5, 9 ले लेते हैं, x का वैल्यू ले लिया मैंने 4, 7, x का वैल्यू मैंने ले लिया 6, 3 और x का वैल्यू मैंने ले लिया none of this ठीक है। अच्छा अब इसमें चेक करके देखते हैं, अगर हम लोग पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं 5 ठीक है, तो 12c5 + पहले 2 × 12c4 इसका वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा और इसमें चेक करना पड़ेगा ठीक है, तो 12c5 का क्या हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 12 से लेके 5 फैक्टर्स 11, 10, 9 और 8 प्लस 2 × 12c4 यानी 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर 4 फैक्टर्स 12, 11, 10 और 9 और 12c3 का मतलब 3, 2, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 12, 11 और 10। अब चेक करते कितना होगा, तो ऊपर है 12, 11 और यहाँ पर हो गया 10, 9 और 8 ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 120 होता है ये वाला ठीक है, तो जो अगर याद रहेगा तो हमारा थोड़ा हेल्प हो जाएगा वैल्यूज। फिर यहाँ पर 12 × 11 × 10 × 9 डिवाइडेड बाय
24 डिवाइडेड बाय 24 और ये 2 है तो इनटू 2 यानी 990, ठीक है, ये हम लोग का हो गया 990 और ये 6 2 12 ये हो गया 220. अब ऐड करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, 792, तो ये हम लोग का आ रहा है 2002. अच्छा, अब अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 5 या 9 पुट करते हैं 14C5 तो कितना आ जाएगा, 5 से लेके यहाँ पर 1 तक लेना पड़ेगा हम लोग को, 14 13 12 11 और 10, ठीक है, तो 120 है नीचे, तो 14 13 12 11 और 10 और डिवाइडेड बाय 120 कर लो तो 2002 आ गया. तो इसका मतलब ऑप्शन ए से ही हो जाएगा. 9 पे भी चेक करना जरूरी नहीं है देखो, क्योंकि 14C9 चेक करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 14C9 का कंप्लीमेंट्री ही हो जाएगा 14C5. देख लो 14 में से जो है 5 चीजों को सिलेक्ट करने का है, मतलब 9 चीजों को रिजेक्ट करना, तो ये दोनों का आंसर हम लोग का 2002 होगा. इसका मतलब ये हम लोग का जो है आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा. बाकी इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में भी किया जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, n+1 CR n CR सेम तरीके से होगा. इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 12C5 प्लस ये 2 × 12C4 को हम दो बार लिख लेंगे, 12C4 और ये 12C3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेम उसी तरीके से होगा जैसा अभी अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें तुम लोग को समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी होगा. देखो यहाँ पर वैल्यूज है ना, वो NCR होता है तो फिर तुम लोग को दिक्कत होता है. यहाँ पर देखो ये दोनों को मैंने एक जगह पे किया और ये दोनों को मैंने एक जगह पे किया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या बोला है, n+1 CR = NCR और NCR-1, ठीक है, तो यहाँ पर n है मेरा 12, ठीक है, n है मेरा 12 और ये दोनों में से ये r है और ये मेरा r माइनस वन है, ठीक है, सॉरी ये r है, जो बिगर वैल्यू है वो r होगा और ये मेरा r माइनस वन है, क्योंकि 5 माइनस वन करेंगे तो 4 आएगा, तो मुझे क्या लिखना है, n+1 यानी 12+1 CR यानी 5 लिखना है इसके जगह पे. अब इस पे शिफ्ट होते हैं, देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमें ये दोनों है n, ठीक है, और ये जो है मेरा r है और ये जो है मेरा r माइनस वन है, मुझे लिखना क्या है, n+1 यानी कि 12+1 CR 4, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 13C5 और 13C4. अब इसको भी हम लोग जो है कंबाइन करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये दोनों ही मेरा n है, ठीक है, और ये मेरा r और ये r माइनस वन, मुझे लिखना है n+1 यानी 13+1 CR यानी कि 5, तो 14C5 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 14C5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है सी एक्स का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा. बाकी ऑप्शन में अगर तुम लोग का 2 रहेगा तो उससे भी तुम लोग चेक करके देख सकते हो. तो यहाँ पर 14C5 हो गया और हमें पता है कि 14C5 का कंप्लीमेंट्री होता है 14C9, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 और 9 हो गया. अब अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो उससे ये कर सकते हो, जल्दी होगा, नहीं तो इस पे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कैलकुलेटर का यूज करोगे तो उतना भी कुछ टाइम नहीं लगेगा. तो ये एग्जाम्पल 14 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स फिर से स्टार्ट होगा, कुछ कॉम्बिनेशन का ही कुछ एग्जांपल है, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते. थैंक यू मैम. ठीक है, बाय. थैंक यू.